ok so hi everyone if i am audible if i am visible please give me a thumbs up write something in comment section then we can start the class hi faiza so, ok सो दिस इज लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी एन आम श्वतानक क्या करने वाले हैं ऑब्वियसली वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर नंबर सेवनटीन लॉट हैज़ बीन डन लॉट हैज़ बीन टॉकड अबाउट ठीक है नाइनटीन सेवेंटीज़ आ चुके हैं और एक जो वो पूरा रेबेलियस फेस है अबाउट विच वी टॉकड अबाउट यस्टडे ठीक है कि जब बॉब डेलन के गाने बजते थे और सब जगह बजते थे ऐसा सिर्फ नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स में और जगह पर ही हो रहा था जब वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में बॉब डेलन के गाने बजते थे तब इंडिया में और पाकिस्तान में हबीब जालेब और फैज़ अहमद फैज़ के गाने भी बज रहे थे ठीक है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रिवोल्यूशनरी टेंडेंसीज केम इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो सब हो गया चलो बढ़िया बात है नाइनटीन आ चुके हैं इमरजेंसी इंडिया में लगी ठीक है 1968 में लोगों ने पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट रूलर को भी हटा दिया ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं लेकिन इस समय वर्ल्ड की इकॉनमी भी चेंज हो रही थी एंड दैट इज़ वर्ट वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर क्लास टूडे हम पहले डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड की इकॉनमी में क्या हुआ इकनॉमी में बहुत सारी चेंजेस हो गए वर्ल्ड ओवर सो विल डिस्कस अबाउट दैट आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट वॉट हैपन विद ईरान एंड इराक ठीक है ये पूरी स्टोरी बनी कैसे जो आप इराक वॉर के बारे में सुनते हैं आप हमेशा सुनते हैं कि टू 2003 में इराक में अमेरिकन गए और हुआ और हुआ से आप लोगों तो ने कहानियाँ सुनी होंगी वो सारी कि सद्दाम हुसैन से कहा गया था कि अपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डब्ल्यू वापस कर दो और सद्दाम हुसैन ने कहा था कि हमारे पास है ही नहीं लेकिन पहले तो थे और एक बार कुल्द पे भी चलाए थे 1999 में तो वो पूरे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आए कहाँ से थे क्यों आए थे क्या हुआ था ईरान और इराक के क्या इश्यूज़ हैं दैट विल लुक इन

okay if you have any question any query in between so feel free to ask okay i'll try my best to answer it in between the session itself chalo so hi ananya hi faiza hi chetan thanks faiza for waiting hi ashok hi prakhar uh, yeah prakhar is asking sir can you please suggest me book for modern ancient medieval indian history Uh, देखो पहले तो अगर एक वर्ड एक है तो ऐसी कोई बुक नहीं होती या मॉडर्न और मेडिवल सबके लिए आपको बुक चाहिए सो so, देखो यार प्रखर यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग विद एन सी आर टीज इफ़ यू हैव डन एन सी आर टीज एंड इफ यूर ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक है ऑप्शनल सब्जेक्ट इज हिस्ट्री देन एंशेंट uh, के लिए उपेंद्र सिंह से पढ़ना शुरू करें ठीक है और डी एन झा एक बार लेके रेफर कर लें थोड़ी सी ठीक है uh, भासम को भी एक बार देख लें आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल थ्रू उससे कवर हो जाएगी ठीक है भासम से लेकिन अगर आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है तो पहले तो एन सी आर टी कम्प्लीट करें बिपिन चंद्रा कंप्लीट करें ठीक है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को कंप्लीट करें मॉडर्न के लिए मेडिवल और एनशेंट के लिए बहुत मेडिवल और एंशंट के लिए एन के अलावा बहुत ज़्यादा ना भागें क्योंकि देखो बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं ना कवर करने के लिए मैं आपको कह दूंगा बी एल भाषण जाके पढ़ लीजिए लेकिन बी एल भाषण पढ़ने का मतलब क्या होगा ठीक है आप बन जाएँगे महाज्ञाता आर्ट एंड कल्चर के और फिर बाकी चीज़ों में ना आता ना जाता ठीक है सो वो नहीं करना है ओके वो नहीं करना है और इसलिए मेक श्योर करें कि अगर ऑप्शनल है सो so, आप हमेशा उपेंद्र सिंह से शुरू कर सकते हैं एंशियंट के लिए बी एल भाषण आर्ट एंड कल्चर एंशियट मेडिवल सब मिला के हो जाएगी बी एल भाषण की जो दूसरी वाली बुक है वो मेडिवल के लिए आपको हेल्प कर देगी और मॉडर्न uh, के लिए हमेशा बिपिन चंद्रा विल बी देयर विल बी ओके क्योंकि मॉडर्न इज समथिंग जो बहुत ही टाइटली आपको आना चाहिए वेदर आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो या फिर ऑप्शनल uh, तो है ही ठीक है uh, चलो राकेश एक सर पढ़ लिया सारी एनसीईआरटी रिवाइज uh, करें क्वेश्चन uh, अगर नहीं हो पा रहे हैं देन इशू है अगर क्वेश्चन हो जा रहे हैं देन तो कोई बात ही नहीं है देन दूसरे सब्जेक्ट से फोकस करें ओके चलो सो लेट स्टार्ट द सेशन देन ओके सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट मी हु आर इंटरेस्टेड आप यू कैन गो थ्रू इट वंस और नीचे एक लिंक है मेक श्योर यू सब्सक्राइब यू गो एंड फॉलो द लिंक ओके और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें बिकॉज क्लास के बाद आई एल अपलोडीएफ सो आपको फिर ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा All दिस information is enough for you. Uh, आप कोई भी G.S. paper पेपर वन के क्वेश्चन आपके सारे के सारे इनसे हो जाएंगे इससे बाहर से आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी दिस इज इनफ इन्फॉर्मेशन कि आप इसको ऐसे में भी कोट कर सकते हैं okay? Uh, now let's talk a bit about an academy also because an academy is giving us this opportunity theek hai is tarah se hum interact kar pa rahe hain so let's talk about about them so dekho yaar uh, aapko pata hai most of the people must be knowing it ki an academy ne thoda sa pure ka pura सिस्टम जो है प्राइसिंग का और एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड सो लेट स्टॉक अपि अबाउट इट बिकॉज इंस्टेड ऑफ अब एक साल और दो साल की जगह अन अकेडमी आपके लिए तीन साल का भी प्लान लेके आ गई है द आइडिया इज़ कि आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास किया आपने एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आप कॉलेज पहुंचे And you have to do civil service examination, but you are still confused कि अभी ले लें subscription, फिर दो साल में subscription खत्म हो जाएगा graduation तो तीन में खत्म होगी या फिर आप बी टेक में कर रहे हैं यूल भी लाइक फर्स्ट ईयर अभी खत्म हुआ है अभी सब्सक्रिप्शन ले लूँगा तो थर्ड ईयर में सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, फोर्थ ईयर में तो टाइम मिलता है कि प्रोजेक्ट के साथ फिर पढ़ाई करने का तब सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगा सो कम द वेरी आइडिया दैट आप जहां भी हैं स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज लुक द एग्जामिनेशन इज वेरी वास्ट वेरी डिटेल्ड सो जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतना अच्छा है ओके सो नॉट ओनली वन ईयर एंड टू ईयर दर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो फॉर यू टू गो फॉर थ्री ईयर्स ओके सो गो एंड टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन और आईकॉनिक आईकॉनिक यू मस्ट बी नोइंग इफ नॉट लेल यू अगेन यू विल बी गेटिंग अ मेटोरशिप इन एडिशन टू जो आपको ऑलरेडी मिल रहा था ठीक है लाइव क्लासेस, क्विजेज टेस्ट एवरीथिंग इज देर अलॉन्ग विद दैट देर इज समथिंग कॉल्ड कॉललेस मेंटोरशिप. दे विल ऑलवेज बी सम टू गाइड यू टू हेल्प यू आउट कि यार कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एंड ऑल दो थिंग्स ठीक है सो अकॉर्डिंगली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्राइस आर टेबलेटेड इन फ्रंट ऑफ यू कोड यूज कर लेंगे एस पी वाई टी ओके टेन परसेंट डिस्काउंट विल बी इमीडिएटली गिवन टू यू अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं आइकॉनिक के प्लान भी आप रेफर कर लेंगे एक चीज मैं आपको बता दूं कि थर्टी फर्स्ट ऑफ दिस मंथ के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे सो थिंग्स विल बिट गेट अ बिट मोर चेंज बिकॉज यू विल बी हैविंग टू पे सेपरेटली आपको अलग से पैसे देने होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अदरवाइज अभी आप इसी अमाउंट में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे सो मेक श्योर कि आप कैसे करेंगे थर्टी फर्स्ट से पहले अगर हो सके तो सब्सक्रिप्शन ले ओके चलो सो लेट स्टार्ट द क्लास देन विदाउट टॉकिंग एनीथिंग एल्स हेयर एंड देर ओके गुड इवनिंग राहुल कुमार ओके चलो यार ये सीरीज ही है इसकी uh, सीरीज नहीं बनी क्या आई गेट इट अगर सीरीज नहीं बनी होगी विल गेट अ सीरीज ओके सो या एवरी वन जस्ट हेल्प मी आउट अ बेट अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है सो मेक श्योर यू जस्ट गो एंड लाइक द स्ट्रीम ओके दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प अब देखो यार हो क्या रहा था सो so, नाइनटीन में ठीक है थोड़ा रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन खेल लिया सबने यूरोप में थोड़ी बहुत हल्ला मचा लिया फ्रांस में बाकी जगहों पर ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स में भी वियतनाम वॉर हो गया वियतनाम वॉर ठीक है फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव से शुरू हुआ सेवेंटी फोर आते आते रिचर्ड निक्सन के टाइम पे ही एवरीथिंग वाज रिजॉल्व वियतनाम ठीक है हो गया एवरीवन वाज कमिंग बैक लेकिन 1973 आते आते कुछ और चीजें हो गई क्योंकि जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक थी ये जो लोग थे जो कैपिटलिज्म पे अपनी कंट्रीज को बेस कर रहे थे दे आल्सो नीड टू चेंज समथिंग

अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है जैसे कि इंडिया में 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट चला ठीक है उस मूवमेंट के बाद ठीक है बहुत ज्यादा चीजें तो चेंज नहीं हुई सेंट्रल लेवल पे लेकिन करप्शन बिकिज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इट एवर वाज़, ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली फिर 2014 के इलेक्शन में उसका असर दिखा सो so, ऐसे ही वर्ल्ड ओवर होता है कोई भी सोशल मूवमेंट होने के बाद उसका इम्पैक्ट आपकी पॉलिटी पे आपकी इकोनॉमी पे दिखेगा सो so, 1973 आते आते जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था ठीक है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इन्होंने डिसाइड किया दैट समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, ओके समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। अब ये समथिंग क्या होगा अंडरस्टैंड दिस थिंग ये समथिंग क्या है सो so, ये समथिंग ये है कि पहले तो जितने भी डिक्टेटर डिक्टेटर्स अभी भी बचे हुए थे और ऐसा नहीं है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूरोप में अभी भी डिक्टेटर्स थे क्योंकि जब मैं वर्ल्ड वॉर पढ़ा रहा था तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि हमने स्पेन पोर्तुगल के बारे में बात नहीं की थी ग्रीस के बारे में बात की थी कि ग्रीस के जो क्रिंगकिंग थे उनको भी ओवर कर दिया गया था सो देर सेपरेट डिक्टेटर्स हुआ रूलिंग पोर्तुगल स्पेन ग्रीस इन नाइनटीन फिफ्टीज सिक्सटीज एंड सेवेंटीज़ उनको पावर से हटा दिया गया कैसे स्पेन में किसी ने नहीं हटाया ठीक है फ्रैंक फ्रैंको जो स्पेनिश डिक्टेटर थे उनकी डेथ हो गई 1975 में और उनके बाद 1975 के बाद स्पेन मूव टूअर्ड डेमोक्रेसी पोर्तुगल के जो आ, डिक्टेटर थे उनका नाम था ओलिवियर सेलाजार ठीक है ना सेलेजार जो थे वो इंडिया के रिस्पेक्ट में थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा बहुत जानिए क्योंकि जब गोवा वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था देन आल्सो सेलेजार वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई पोर्तुगल की गवर्नमेंट में इट वाज़ ओनली आफ्टर रिमूवल 1974 जब 1975 में नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जाके एक्सेप्ट किया कि गोवा जो है वो इंडिया का पार्ट है 1973-74 तक यही माना जा रहा था कि गोवा जो है वो पोर्तुगल का पार्ट है इंडिया का पार्ट उसको माना नहीं जा रहा था सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फाइन अच्छा अब आगे देखो ग्रीस के साथ क्या हुआ ग्रीस के जो डिक्टेटर थे ही वॉज ओवर थ्रोन इन सेवन नाइनटीन सेवेंटी फोर पेपरपोलिस ओके सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है फ्रेंको पावर में कैसे स्टैब्लिश रहे उनके भाई ने क्या किया और बाकी जो चीज़ें नाइनटीन फोर्टी फाइव में फ्रैंको का क्या रोल था यू डोंट हैव टू गो मच इन डिटेल ठीक है आपके सिलेबस में नहीं है सो विल जस्ट स्किप थ्रू इट ओके विल जस्ट ट्राई एंड फोकस जो इम्पॉर्टेंट है ठीक है सो इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है लिबरल डेमोक्रेसी कैसे बनी ठीक है सो एक तरीके से यूरो कम्युनिज्म जैसी एक नई चीज़ शुरू हुई क्या हुआ ये यूरो कम्युनिज्म क्या है यूरोप में कम्युनिज्म के आइडियाज थोड़े से एक्सेप्ट होना शुरू हो गए लोग वेलफेयर स्टेट की ओर मूव करने लगे यही वो रीज़न है जिसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी आ, फ्रांस में जर्मनी में स्पेन में इटली में ठीक है आपको आ, जैसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे मिल जाते हैं क्यों मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूरो कम्युनिज्म ठीक है जर्मनी में तो आपको स्कूल और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन भी जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है तो कैपिटलिस्ट सिस्टम तो नहीं रहा सो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे नाइनटीन के बाद चेंज होने लगी ठीक है अब कुछ चीज़ें और हुई इकोनॉमिक बेसिस पे क्या चेंजेस हुए तो इकोनॉमिक बेसिस पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली क्लासेस में बताया है आ, ओके इकोनॉमिक बेसिस पे जो मैंने आपको पहले क्लासेस बताया है कि क्या हुआ था 1973 में 1973 में इसराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई हुई थी जिसका नाम है योंगेपोर वॉर योम के पोर इज लाइक like इसराइली फेस्टिवल होता है योम के पोर ओके okay? और उसी दिन रात में आ, अरेबियन कंट्रीज़ ने वापस से इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया था ठीक है तो अरब इसराइल वॉर हुई और इस वॉर के बाद वापस से इसराइल जीत गया अब जब इसराइल जीता तो फिर अरब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वी हैव टू तो लुक इन टू अरे यार ये अभी नाइनटीन सिक्सटी सेवन में हारे थे फिर हम हार गए सो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड वो उन्होंने क्या इन्फ्लुंस निकाला अरेबियन कंट्रीज़ को क्या लगा हम क्यों हार रहे हैं तीन तीन इजिप्ट जॉर्डन ठीक है सीरिया सारी कंट्री मिलके लड़ने आती हैं तब भी इसराइल से हार जाती हैं सो क्यों ऐसा क्यों होता है कोई दूसरी दुनिया से जड़ी बूटी बूटी लेके थोड़ी आए हैं ठीक है संजीवनी बूटी थोड़ी है इनके पास तो हो क्या रहा है सो हो ये रहा था कि इसराइल को हमेशा यूनाइटेड स्टेट का सपोर्ट मिलता था यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के कारण दे हैड फा बेटर far better navy they were far better air force their their military was far more prepared their technological advancement and everything was far more better theek hai so isko curtail karne ka tarika kya tha isko curtail karne ka tarika tha ki united states ke upar arabian countries ko pressure banana padega ab united states ho ya fir kilimanjaro किसी के ऊपर भी अगर saudi arabia और बाकी arabian countries को pressure बनाना, तो बनाना है तो उनके पास सिर्फ एक ही tool है वो tool क्या है prices of oil ठीक है ऑयल की जो प्राइसेस हैं क्योंकि ओपेक ठीक है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन 1960 में ही बगदाद में बना दी गई थी बाद में उसका हेडकोार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि सारी अरेबियन कंट्रीज जो थी उनका कहना था कि खाली अरेबियन कंट्रीज उसकी मेंबर नहीं है देर आर कंट्रीज लाइक वेनेजिला कंट्री लाइक नाइजीरिया जो उसकी मेंबर बनना चाहती हैं सो ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हुर पार्ट ऑफ अब बॉडी जो अपनी कंजम्पन से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है वो ओपेक का मेंबर बन गई ओपेक की और उसके बाद इसमें मेनली मेजॉरिटी किसकी थी अरेबियन कंट्रीज़ की तो उन्होंने ओपेक कंट्रीज जो इनिशियली पांच कंट्रीज थीं जो अरेबियन कंट्रीज जिन्होंने ओपेक बनाया था दे डिसाइडेड दैट विल रेज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड डीजल एंड एवरीथिंग एल्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मेकिंग श्योर कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारी जब तक बात नहीं मानेगा जब तक वो इसराइल के पीछे से सपोर्ट अपना नहीं हटाएगा एंड सो द प्राइसेज ऑफ ऑयल व इंक्रीज बाई सेवेंटी परसेंट इन इंटरनेशनल मार्केट ठीक है आप हमेशा ये न्यूज में देखते हो ना कि इंडिया में प्लान कर रहे हैं कि एक नया एक नया स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करनी है हम अपना ऑयल जो है वो रिजर्व में रखेंगे इंडिया के पास एम है नाइन्टी मिलियन टन ऑयल रिजर्व में रखने का यूनाइटेड स्टेट्स के पास 750 टन ऑलरेडी पेट्रोलियम रिजर्व्स में रखे हुए हैं उनके पास ठीक है वो क्यों रखे जाते हैं ये पूरे ऑयल रिजर्व में रखने का कॉन्सेप्ट इसी 1973 के क्राइसिस के बाद हुआ था जब अरेबियन कंट्रीज ने जब ओपेक कंट्री ने डिसाइड किया कि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं सो ऑल सडन यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन में पेट्रोलियम से, से खत्म हो गया ऐसे लोग नया तरीका ढूंढना पड़ेगा ओपेक को कंट्रोल करने के लिए और यही वो फेमस टाइम है जब यूनाइटेड स्टेट के जो एन एस एनरी किसेंजर स्टेटमेंट वाइल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू किंगजल ओके जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के किंग थे सॉरी सऊदी अरेबिया के जो किंग थे उनके नेक्स्ट खड़े होकर एन एस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि ऑयल इज आर रिलेटेड टू आर नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग टू मेनटेन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है सो दैट इज़ वॉट दे डिड उन्होंने कहा कि उनको जरूरत पड़ेगी तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करके सारे ऑयल रिजर्व पे कब्जा करके वापस से यूनाइटेड स्टेट्स को पेट्रोलियम प्रोवाइड कराएंगे इस प्रेशर के बाद फाइनली सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया अच्छा ठीक है हम ये ब्लॉकेड हटा देते हैं आपको पेट्रोलियम मिल जाएंगे लेकिन इसके कारण इसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स को बात समझ में आ गई कि आप ऐसे कर नहीं सकते यू नीड सर्टेन अदर थिंग्स ओके सो एक चीज तो ये हो गई एक चीज तो इन्होंने ये कर दिया कि इन्होंने पहले तो ओपेक के अलावा बहुत सारे गैस पेट्रोलियम के अलग अलग सेंटर्स बनना शुरू हो गए अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि वेस्ट टेक्सेस ऑयल डब्ल्यू टी आई ऑयल मार्जिन होता है डब्ल्यू टी आई इंडेक्स होता है ठीक है वेस, वेस्ट टेक्सेस इंडेक्स ठीक है वहां से ऑयल के प्राइसेस जो थे वो माइनस चालीस डॉलर तक चले गए थे पर बैरल अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आई थी जब कोविड शुरू हुआ था बात ठीक है सो वो चीज़ें क्यों हो रही हैं वो चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने मेक श्योर किया कि ब्रेंड क्रूड ठीक है डब्ल्यू ठीक है यूराल क्रूड ये अलग अलग प्राइसिंग डिसाइड होने लगे जिससे पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ अरेबियन कंट्रीज के हाथ में ना रह जाए ठीक है सो दैट्स द पॉइंट नंबर वन नदर थिंग विच वॉज डन अगर यहाँ लिखा है तो ठीक है नहीं लिखा है मैं बता देता हूँ दूसरी चीज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी फियट करेंसी को ठीक है अपनी फियड करेंसी को आ, म, आ, गो, आ, गोल्ड डॉलर से उसका कनेक्शन तोड़ दिया मतलब फियड करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की अब कंप्लीटली फियट हो गई ठीक है ये नाइनटीन के स्टार्टिंग में रिचर्ड निक्सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने अपनी करेंसी हर करेंसी के पीछे आपको गोल्ड पहले रखना पड़ता था इंडिया गोल्ड क्यों नहीं रखता है इंडिया गोल्ड इसलिए नहीं रखता है अपने रिजर्व के पीछे क्योंकि हमने अपनी करेंसी को डॉलर से कनेक्ट कर दिया है ठीक है तो भाई ब्रिटेन क्यों नहीं रखता उस हिसाब से कुछ गोल्ड सब लोग रखते हैं लेकिन वो इतना एक्सेप्शनल नहीं होता कि आपकी हर फीएड करेंसी के पीछे गोल्ड रखा हो क्योंकि आपकी जो करेंसी है आपके हाथ में वो क्या है कागज का टुकड़ा ठीक है उस कागज के टुकड़े की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसके नीचे आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया होता है कि वो आपको उतने पैसे पे करेंगे ठीक है उसके पीछे जो गोल्ड रखा होता है वही गोल्ड ट्रेंच होता है जो गोल्ड ट्रेंच वाला इस बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में ठीक है अब लेकिन वो गोल्ड ट्रेंच जो होता है वो होना चाहिए कैसे अगर एक यूटोपियन परफेक्ट सोसाइटी हो सो तो जितने पैसे मार्केट में हैं उतना गोल्ड ट्रेंच रखा होना चाहिए लेकिन उतना तो गोल्ड ही नहीं है उतना तो गोल्ड ही नहीं है जितना जितने आपके पास पैसे हैं तो अगर उसको कंपेयर करोगे तो गोल्ड के प्राइसेस और बढ़े आते वो भी नहीं हुआ सो हुआ क्या बिकॉज बाई दिस हैपन बिकॉज इन नाइनटीन सेवेंटी वन यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी करेंसी को क्योंकि हमारी कंट्री लाइक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल सारी कंट्रीज अपनी करेंसी किससे कनेक्ट कर दिया सबने डॉलर से डॉलर किससे कनेक्टेड था गोल्ड से यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड और डॉलर के बीच की जो कनेक्टिविटी थी उसको खत्म कर दिया यानी अब यूनाइटेड स्टेट्स नोट छाप छाप रहा है और आप उसको यूज कर रहे हैं नो वन इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन यूनाइटेड स्टेट्स कि भाई कैसे कहाँ से छाप रहे हो ये नोट ठीक है इसलिए कभी कोई ये बात नहीं करता कि यूनाइटेड स्टेट्स का फॉरेन रिजर्व कितना है आप हमेशा सुनते हैं इंडिया का फॉरेन रिजर्व 400 बिलियन डॉलर हो गया खुश हो जाओ खुश हो जाओ ठीक है चाइना का फॉरेन रिजर्व चार ट्रिलियन हो गया चाइना वाले खुश हो खुश हो गए कभी कोई नहीं पूछता यूनाइटेड स्टेट्स का फॉरन रिजर्व कितना है उनको फॉरन रिजर्व नहीं चाहिए वो खोलेंगे अपनी मिंट और नोट छाप के चल देंगे ठीक है दैट्स हाउ इट वर्क ओके ओके आज आजम क्वेश्चन टेलीग्राम ओके आई एल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ओके नुमान क्या कुछ इश्यू हो गया चलो देखो अब आगे देखो मोस्ट इंडस्ट्रीज वर डीपली अफेक्टेड अब इस प्राइस के कारण इस पूरे मॉडल के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर अफेक्ट हुआ और उस अफेक्ट के कारण देखो ये जो प्राइसेज एक बार गिरी ठीक है क्योंकि जैसे कोविड के टाइम पर साइकिल चल रही है ना कोविड के टाइम पर क्या हुआ पूरा मार्केट बंद हो गया अब इस मार्केट बंद होने के बाद आपने मार्केट खोल भी दिया है तो आप देख रहे हो कि इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग फॉर एवरीथिंग टू गो बैक एंड ट्रेस बैक क्यों क्योंकि एवरीथिंग गोज ऑन इन लूप ठीक है आप जो डिमांड करते हो तो आपके पास कुछ पैसे होते हैं उस पैसे को यूज़ करके आप मार्केट में चीज़ें डिमांड करते हो और आपको सप्लाई की जाती है आपको जब चीज़ें सप्लाई की जाती हैं तो उन सप्लाई के लिए कोई और प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन के चलते किसी तीसरे आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ठीक है अब जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसको वो पैसे मिलते हैं जो आपके हाथ से गए और फाइनली वो फिर नई चीज़ों की डिमांड करता है ओके okay? सो so, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है साइकिल को अगर आपने कहीं भी एक बार तोड़ दिया सो इट टेक्स वेरी लॉन्ग फॉर द वर्ल्ड सोसाइटी टू गैदर द सेम पेस अगेन एंड दैट इज हैपनिंग राइट नाउ आप उसका इंपैक्ट देख सकते हैं इसीलिए आपको समझने में इजी होगा कि 1973 के इकोनॉमिक रिसेशन जो कि ऑयल प्राइसेस की वजह से आई थी उसके कारण कैपिटलिस्ट ब्लॉक में भी एक तरीके का रिसेशन आ गया इस रिसेशन के कारण क्या हुआ पहले तो चीजों में इन्फ्लेशन हो गई इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज एक्सेप्शनल प्राइस राइज मतलब जो चीज़ कल दस रुपए की मिल रही थी आज वो सौ रुपए की मिलेगी दूसरी चीज क्या हुई डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड क्यों होता है क्योंकि लोगों के पास जो सेविंग है लोग खर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता नहीं अगली बार पैसे कहां से आएंगे सो डिमांड ओवरऑल रिड्यूस्ड ठीक है अब जब डिमांड कम हो गई ठीक है तो नई चीज़ें बनेंगी नहीं जब नई चीजें बनेंगी नहीं तो फिर कंपनीज क्या करेंगी कंपनीज क्लोज होना शुरू हो जाएंगी एक बार जब कंपनीज क्लोज होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो नई डिफिकल्टीज आएंगी एंड दिस इज एक्चुअली द टाइम जब आपको पता है देर आर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आज सुबह ही मैं जब डीना वाली क्लास दे रहा था स्पेशल क्लास सेक्शन में सो मैं सबको चिली का एग्जाम्पल दे रहा था और चिली का एग्जाम्पल दे देते हुए मैंने क्या बोला था नाइनटीन में चिली में पिनोशे की गवर्नमेंट आई थी ठीक है so, सो गवर्नमेंट कब आई उसी टाइम सेवेंटी में मतलब इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेट हो गए थे इसलिए एक डिक्टेटर का भी उन्होंने सपोर्ट कर दिया सो so, ये वो टाइम है जब आप देखोगे कि लेटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक चिली लाइक अर्जेंटीना में डिक्टेटरशिप्स आ गई ठीक है आगे देखें आगे क्या हुआ अच्छा अब ये जो ये जो चीज़ें हैं ये तो हो गई साउथ अमेरिका में यूरोप का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया अब ये दो जो कंट्रीज थी जो एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड की लीडरशिप पोजीशन में थी हुआ थे दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड स्टेट्स जिसके लीडर थे रोनल्ड रीगन लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन दूसरी थी मार्गरेट थैचर ओके शी वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है ठीक है इनके ऊपर एक मूवी भी है आ, आप देख सकते हैं ठीक है चलो जस्ट एक्सप्लेन हाँ आ, अब हुआ क्या देखो 1973 के बाद से जो रिसेशन आया उसका सॉल्यूशन कौन लेके आया उसका सॉल्यूशन लेके आए 1980 में रोनल रेगन और मार्गेट मार्गरेट थेचर मार्गरेट थैचर और रोनल रेगन दोनों ने वही आइडिया अपनाए न्यू लिबरलिज्म वाले जो अभी कोविड की क्राइसिस से निकलने के लिए कंट्री लाइक इंडिया पाकिस्तान हमारे ऐसी कंट्रीज अपनाती हैं वही वाले ठीक है स्क्रीन पर देखो बहुत अच्छे से ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे एक वी शेप कर्व दिख रहा है ये देखो क्या है रोनल रेगन अपने ऑफिस में क्या समझा रहे हैं ही इज एक्सप्लेनिंग अ वी वी शेप शेप दिख रहा है आप लोगों को ये वही वी शेप की बात कर रहे हैं जो वी शेप की बात अभी की जाती है इंडियन इकोनॉमी में कि अभी कोविड के बाद वी शेप वापस से कर्व आएगा और एवरीथिंग विल बी बेटर ये वही जीडीपी का कर्व है तब यूनाइटेड स्टेट्स में समझाया जाता था नियो लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज पे बेस करके नियो लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज का बेसिस क्या है इसका बेसिस वही है मैं कई बार और भी समझाया है वापस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट द पीपल आर नॉट इंटाइटल टू एनी थिंग दे हैव टू वर्क टू गेट इट ओके यू आर नॉट इंटाइटल टू एनी थिंग दैट द फंडामेंटल आइडिया ओके सो गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग कम कर देगी गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट सोशल पब्लिक स्पेंडिंग कम कर देगी मतलब स्कूल पे सरकारी स्कूलों पे सरकारी कॉलेजों पे सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे गवर्नमेंट सरकारें खर्चा कम कर देंगी और एवरीथिंग विल बी प्राइवेटाइज कि एफिशेंसी बढ़े और एफिशेंसी बढ़ेगी सो so मार्केट वापस से डेवलप होगा ठीक है मार्केट थैचर ने एक्जैक्टली exactly यही चीज़ की यूनाइटेड किंगडम में ऑल दो यूनाइटेड किंगडम का जो एनएचएस था नेशनल हेल्थ सर्विस उसको वो नहीं बदल पाई वो बदलना चाहती थी वो नहीं बदल पाई क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा अब मार्गेट थ्रेचर का एक कोट है वो सोशलिज्म के अगेंस्ट वो भी सुन लो सो so, मार्गेट थ्रेचर का बड़ा स्टैंडिंग सा एक आइडिया था एंड शी यूज्ड टू हैव दिस ओपिनियन द प्रॉब्लम विद सोशलिज्म इज दैट यू इवेंचुअली रन आउट ऑफ अदर पीपल्स मनी ठीक है प्रॉब्लम क्या है सोशलिज्म की प्रॉब्लम यह है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके आप अंत में दूसरे लोगों के पैसे आपके पास खत्म हो जाएंगे और आपके पैसे आपके पास रहेंगे नहीं सोशलिज्म की एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है जब मैंने आपको पहले भी सोशलिज्म का कोर आइडिया बनाया बताया था टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज केपेबिलिटी फॉर ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड सो हर इंसान अपनी नीड से ज़्यादा मांग लगेगा और हर आदमी अपनी केपेबिलिटी से कम काम करेगा सो so, बीच में गैप एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा ठीक है सो वेजेस जो थे वो लोअर किए गए लेबर मार्केट डीरेगुलेट किया गया और इससे वर्कफोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी आए ये सारी वही चीजें हैं जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है आप अभी न्यूज में बार बार देखते हैं कि लेबर रिफॉर्म किए जा रहे हैं फार्मर्स को बोला जा रहा है कि ओपन मार्केट में जाके अपना सामान बेचो तो ये क्या है ये वही है ये है मार्केट डी रेगुलाइजेशन ये वही सारी चीजें हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में 1975, 76 के बाद की थी और नाइनटीन के बाद एक्सेप्शनल तरीके से की थी सो हमेशा याद रखिए जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और वर्ल्ड जब आपका जीएस पेपर वन में क्वेश्चन आएगा सो जीएस पेपर वन में अगर इस बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड सो आप ये नहीं सोचेगा कि अरे ये जीएस पेपर वन में क्यों है ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये जीएस पेपर वन में इसलिए होगा क्योंकि हिस्ट्री में ऐसी चीजें दूसरी कंट्री में की गई थी अब इंडिया में वो चीजें रिपीट की जा रही हैं ओके दैट्स हाउ इट वर्क्स चलो अब और देखते हैं ओके आ, जब uh, नुमान सिंह सर जब चाइना बिगेस्ट इकोनमी बन जाएगी तब आईएमएफ में किसकी करेंसी चलेगी देखो अनुमान आईएमएफ में करेंसी एक्चुअली डॉलर नहीं चलती है ठीक है आईएमएफ में जो करेंसी होती है वो होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग मिले होते हैं और अभी अभी आपको पता है पहले आईएमएफ में एक फाइव करेंसी का बास्केट था जिसमें अभी पिछले के पिछले साल ही रेन मेन बी जो कि चाइनीज करेंसी है उसको ऐड कर दिया गया है ठीक है सो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर से जो कनेक्टिविटी है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है वो आई से रिलेटेड नहीं है ठीक है सो उसको वहां से कंपेयर मत करें आई जो है वो एक बास्केट ऑफ करेंसीज पर चलती है जिसमें रेन मेन बी ऑलरेडी है जब जब और जैसे चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे ये होगा कि चाइना की अपने आप रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में भी बढ़ जाएगी बट उसके साथ साथ चाइना की पर कैपिटा प्रोडक्ट कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और पर कैपिटा जो पे ग्रेड है वो भी बढ़ जाएगा और इसलिए धीरे धीरे अपने आप इंडस्ट्रीज वहां से शिफ्ट हो जाएंगी क्योंकि चाइना के साथ एग्जैक्टली exactly वही हो रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुआ था 1950s में यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर थी अब चाइना है जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग पावर बनेंगे उसके 10 से 20 साल के अंदर आप दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और उसके बाद जब एक बार आप दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे उसके बाद आपके यहाँ के लोगों का रहने का लेवल बढ़ेगा देयर डिमांड्स विल इंक्रीज ओके एड ओवर द पीरियड फिर वो चीज री नीचे भी आ जाएगी तो इट्स प्रोसेस अगेन ठीक है मेरा भी कमेंट देख लो कृपा करके ओके शीतल का कोई कमेंट है सर मेरा कमेंट अरे शीतल कमेंट कहाँ है ये ये शीतल आपका कमेंट है या, या, या ये. Uh, शीतल चलो द कैपिलस ब्लॉक सेवेंटी थ्री शीतल अपना कमेंट फिर से लिख लीजिए कोई इशू नहीं है ठीक है कैपिलस ब्लॉक सेवेंटी थ्री के बाद क्या हुआ सो इकोनॉमिक रिसेशन आया और सो इकोनॉमिक रिसेशन से निकलने के लिए क्या हुआ जब देखो यही वो टाइम है जब आप इन्वायरमेंट जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे स्टॉक होम वाला सस्टेनेबिलिटी वाला मॉडल आया वो कब आया 1972 के बाद से आया ठीक है सो यही वो टाइम था जब ऑयल ऑयल की पूरी कहानी हुई ऑयल में एक तरीके से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो था ऑयल क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और वहाँ पर सऊदी अरेबिया और बाकी अरेबियन कंट्री ने अपने को एक तरीके से चीजों को बाउंड करने की कोशिश की अपने हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश की सो so, आप उसके रिएक्शन में यही वो टाइम है जब आप पहली बार अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का रिप्रेजेंटेशन देखोगे सो इज कनेक्टेड इवन सस्टेनेबिलिटी भी इन ह्यूमन ने स्टार्ट कब की यूज करनी जब उनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम का डायरेक्ट सोर्स नहीं मिल रहा था ठीक है सो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी ये सारी चीजें इन 1973 के इकोनॉमिक क्राइसिस में ही बूम करनी शुरू की पहली बार ठीक है आगे देखो शीतल सर बेसिक से प्रिपरेशन कैसे करूं सर uh, गाइड कर दीजिए थोड़ा सर शीतल uh, बेसिक से एन से स्टार्ट करिए स्टार्ट योर रीडिंग फ्रॉम एन एंड इफ यू वांट टू डिस्कस इन इन डिटेल प्लीज लीव मी अ मैसेज ऑन द अन अकेडमी स्वतान द टेलीग्राम ग्रुप ओके चलो अब देखो ये हो गया पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा था नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कम्युनिस्ट ब्लॉक में क्या हो रहा था कम्युनिस्ट सोसाइटीज में कम्युनिस्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा था सो स्ट सोसाइटी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? द कंट्रीज आर सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप चाइना और क्यूबा ठीक है क्योंकि क्यूबा आपको पता है 1959 के बाद उसने अपने आप को कम्युनिस्ट कर लिया था चाइना 1949 से ही कम्युनिस्ट था लेकिन चाइनीज कम्युनिज्म so जो धीरे धीरे आएंगे ठीक है ईस्टर्न यूरोप के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं और सोवियत यूनियन का पूरा आइडिया जो है वो तो ऑब्वियसली uh, शुरू हो अब स्टेलिस्ट आइडियाज पे आ गया था ठीक है सो अब बात करते करके क्या हो रहा था बेसिकली so जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सोवियत यूनियन के इम्पैक्ट में थी चाहे वो पोलैंड हो चाहे वो रोमानिया हो चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो हंगरी हो ईस्ट जर्मनी हो ये सारी कंट्री किसके किसके अंदर काम कर रही थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन अंडर द इन्फ्लुएंस फ्रॉम मॉस्को ठीक है दूसरी तरफ देखो यूएसएसआर ने क्या किया इम्पोज कर दिया अपना डोमिनेशन इन लोगों पे और जो पीपल डेमोक्रेसीज थी वो सब खत्म हो गई कम्युनिस्ट मॉडल चलने लगा चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में इश्यूज क्रिएट हो गए कब से नाइनटीन से ठीक है इनर मंगोलिया के पास के सोवियत यूनियन और चाइना के बॉर्डर को लेके जो क्राइसिस शुरू हुआ उसके बाद से कहानी चेंज हो गई कहानी क्यों चेंज हुई देखो समझो इस बात को माओ ऑलवेज न्यू दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माओविस्ट आइडियाज एंड जो सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट आइडियाज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं माओ ऑलवे हैड अ चाइनीज टच टू द कम्युनिस्ट आइडियाज एंड दैट्स वाई ही डिडेंट वॉन्टेड टू कंटिन्यू कि हम सोवियत यूनियन से ऑर्डर लें और उसको इम्पोज करें सो ही वॉन्टेड टू चेंज दोंगट्स वॉट ही डेड दैट्स वॉट ही डेड ठीक है इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जैसा कि जब हम मैं पहले भी पढ़ा रहा था जब मैंने आपको पु ई के बारे में पढ़ाया था नाइनटीन इलेवन में जो चाइनीज लास्ट एम्पर थे सो माओ वॉज एडमिट की सोवियत यूनियन में लेनिन की जब गवर्नमेंट थी तो ज़ार निकलस टू और उनकी फैमिली को अरेस्ट किया गया और बाद में मार दिया गया माओ वॉज एडम की पु ई को कोई नहीं मारेगा पुई नीड्स टू तो बी ब्रॉड बैक एंड ही नीड्स टू तो बी रीन ही नीड टू तो बी रिकी विद द सोसाइटी और पुई जो कि चाइना के लास्ट किंग थे रास्ट मुनाक थे वो लास्ट में 1967 में जब उनकी डेथ हुई उसके पहले वो चाइनीज सोसाइटी में री इंटीग्रेट कर चुके थे और उनको एक स्वीपर का काम भी मिल गया था ठीक है सो दैट अप टू दैट एक्सटेंड सोवियत यूनियन से चाइनीज कम्युनिज्म अलग है एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि अगर आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करो तो अभी आप देखोगे कि सो so, चाइना क्या करता है चाइना उइगर्स के लिए कैंप चला रहा है अब उसको हम कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं वो उसको एजुकेशनल कैंप कहते हैं अब वो क्या बला है वो वो जाने लेकिन वो चलाने के पीछे चाइना का पूरा आइडिया क्या है चाइना का आइडिया ये है कि हम लोगों को कम्युनिस्ट आइडियाज़ में मर्ज करके ही छोड़ेंगे कोई फ्रीडम नहीं कोई आइडिया नहीं कम्युनिस्ट आइडियाज के अंदर आइए हमसे अलाइन हो जाइए उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है ठीक है सो ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं तो जो माओविस्ट कम्युनिज्म है वो बहुत ज्यादा अलग है सोवियत कम्युनिज्म से और ये पहली बार ये चीजें कब शुरू हुई दिखना ठीक है ओके दीपेंद्र द बुक लिस्ट इज ऑलरेडी देयर मेरे नाम के साथ प्लीज गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी ठीक है श्वतांक बुक लिस्ट ढूंढ लीजिएगा मिल जाएगी वॉस पैक्ट आपको पहले से पता है वॉस पैक्ट का पै, नाम पैक्टो दॉसोविया है पोलिश में ठीक है वॉस ऑपैक में आप देख सकते हैं कौन सी कंट्रीज हैं इनकी जो मिलिट्री अलायंस में नहीं है ठीक है जैसे कि जो येलो कंट्रीज दिख रही है नीचे वाले मैप में द कंट्रीज विच आर नॉट विच आर इन येलो आर ओपोनेंट कंट्री दे आर पार्ट ऑफ नेटो ओके एंड द कंट्री इन रेड डॉटेड येट वो क्या है दे आर पार्ट ऑफ वॉस ऑफ ठीक है येलो वाली कंट्रीज जस्ट में मोमेंट या ये सारी कंट्री फ्रांस वाली ये नेटो का पार्ट है और ये सारी कंट्री वॉस ऑप फाइन प्रॉब्लम हुई क्या कम्युनिज्म में प्रॉब्लम हो क्या गई अब देखो कम्युनिज्म में प्रॉब्लम ये हुई कि लेनिन ने जो किताब लिखी थी व्हाट नीड्स टू बी डन 1902 में उन्होंने उन्होंने क्या बताया उन्होंने कहा कि पहले दुनिया में होगा बोजवाज का कंट्रोल बोजवाज कौन है बोजवाज आर द पीपल जो कैपिटलिस्ट क्लास में हैं ठीक है बोजवाज आर द कैपिटलिस्ट क्लास पीपल तो उन्होंने कहा पहले दुनिया में होगा बोजवाज का कंट्रोल ठीक है वो पैसे लेकर दौड़ते रहेंगे ऐसे अब ये बुलजवास के लिए क्या करना पड़ेगा पहले आपको करना पड़ेगा वायलेंट रेवोल्यूशन वायलेंट रेवोल्यूशन कौन करेगा प्रोलिटेरियट क्लास यानी वर्किंग क्लास लेबर क्लास और उसको कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट फॉर्म होगी ठीक है कि ये नहीं किया जाएगा कि कोई भी पावर में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर कालमार्स का कहना ये कि अगर आप ये भी ऑप्शन दे देंगे लोगों को कि कोई भी पावर में आ सकता है सो हमेशा बुजवा क्लास ही पावर में आएगा बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज जाता है सो आपको प्रोलीटेरियट्स की डिक्टेटरशिप बनानी पड़ेगी यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी बुजुआ क्लास का मेम्बर जो है वो पावर में ना आए चलो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट बन गई अब उन्होंने कहा काल मार्क्स ने क्या कि अगर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट बन गई तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं फार्मर्स हैं वर्कर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी सबको पता है डिफिकल्टीज क्या और इसलिए वो काम करेंगे कि आने वाले टाइम में एक स्टेटलेस क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाए ठीक है कि सब लोग एक कम्युनिटी में रहें कोई स्टेट नहीं हो कोई क्लास नहीं हो ठीक है इनक्वालिटी सारी तरीके से कंप्लीट खत्म कर दी जाए एक्चुअली हुआ क्या ये तो वो आइडिया था जो कार्ल मार्क्स ने सजेस्ट किया कि ऐसा हो जाएगा ओके okay? हुआ क्या सो so, बुलजवाज ने कंट्रोल करते थे बिल्कुल सही बात है वायलेंट रेवोल्यूशन हुआ बिल्कुल सही बात है हुआ जी हुआ बिल्कुल हुआ ठीक है सोवियत यूनियन में भी हुआ यूगोस्लाविया में भी हुआ ठीक है बुल्गेरिया uh, में भी हुआ पोलैंड में भी हुआ सब जगह हुआ उसके बाद क्या हुआ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलीटेरियट भी बन गई बिल्कुल बनी जी अच्छी बात है बन गई उसके बाद क्या हुआ यही वो जो प्रोलीटेरियट थे ठीक है वो प्रोलीटेरिएट जो कि डिसीजन डिसीजन मेकिंग के पोजीशन में जाके बैठे वो प्रोलीटेरियट वापस से बोजवास जैसे बिहेव करने लगे और वापस से बोजवास का कंट्रोल हो गया नाउ दिस बोजवास व न्यू बोजवास ये वो प्रोलीटेरियट में से कुछ लोग थे जो पोजीशन पे पहुंच गए और फिर वो नए एरेस्टोक्रेसी बन गए ठीक है सो चेंज क्या हुआ वापस भाई कोई और हट गया कोई और, किसी और की जगह कोई और आदमी आ गया वो आदमी भी वही काम कर रहा है जो पुराना आदमी कर रहा था क्या फर्क पड़ रहा है सो दैट इज वॉट हैपन फाइन अब देखो आगे पीपल्स डेमोक्रेसीज ठीक है पीपल डेमोक्रेसीज बनाने की बात हुई कुछ लोगों ने कहा जी पीपल डेमोक्रेसी बनाएंगे तो पीपल डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि भाई अच्छा इन्होंने इस बार क्या कहा कि कम्युनिज्म तो लाएंगे लेकिन पीपल के थ्रू लाएंगे मतलब डेमोक्रेसी के थ्रू कम्युनिज्म लाएंगे जैसे कि इंडिया में भी कोशिश की गई जब केरला में गवर्नमेंट बनी ठीक है 1957 में अब देखो लेकिन उसको 1959 में हटा दिया गया खैर उसकी बात अलग है यहां वापस आते हैं तो फिर एक दूसरा का आइडिया क्या था कि भाई बुजवास का कंट्रोल है बिल्कुल जी वही कैपिटलिस्ट क्लास का कंट्रोल है सो so, पहले पार्टीज बनेंगी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने को रेडी होंगी सो पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्टोरल कॉलेजेस या इलेक्टोरल प्रोसेस जो भी है किसी कंट्री का उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और उसमें पार्टिसिपेशन करते हुए दे विल टेक सपोर्ट ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल वर्कर्स का क्लासेस का वो की हेल्पफुलेंगी एंड वंस दे विल बी इन पावर दे विल बी अ पीसफुल ट्रांजिशन ठीक है सो कोई वॉयलेंट रेवोल्यूशन नहीं होगा और पीसफुल ट्रांजिशन होगा ठीक है और पीसफुल ट्रांजिशन होने के बाद वापस जब ये पावर में आ जाएंगे तो फिर ये स्टेटलेस क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बना देंगे लेकिन ऐसा हुआ क्या नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ तो एक हुआ क्या हुआ ये कि भाई बुजवास पावर में थे इलेक्टेड पार्टीज पावर में आई बिल्कुल आ गई इलेक्ट इलेक्ट आ आ गई गई कम्युनिस्ट पार्टीज पावर में जब वो हो के आ तो उन्होंने क्या किया इलेक्टेड पार्टीज ने सोवियत यूनियन की जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करने से मना कर दिया और जब सोवियत यूनियन की गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करेंगे सो सोवियत यूनियन विल रिएक्ट और सोवियत यूनियन ने उनको पनिश किया उनकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी उसको भी हटा दिया गया तो दैट्स वॉट हैपन चलो अब ये पूरी कहानी है जो अभी तक मैं आपको बता दी गई ठीक है ये पूरी चीज़ है जो हो गई क्या हुआ ईस्टर्न यूरोप में भी इस तरीके से चाहे वो युगोस्लाविया की गवर्नमेंट यूगोस्लाविया में तो नहीं लेकिन युगोस्लाविया में कई बार कोशिश की गई थी लेकिन हंगरी में 1956 में चेकोस्लोवाकिया में जहां पे इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी भी पार्ट गवर्नमेंट में आई थी उसको भी सोवियत यूनियन ने ही हटा दिया देखो ये होना बहुत लाजमी सी बात है नॉर्मल सी बात है क्योंकि अगर आप इलेक्ट होकर आए हो देन यू आर आंसरेबल टू द पीपल और उसके बाद आप सोवियत यूनियन से ऑर्डर नहीं लोगे यू विल ऑलवेज बी लाइक नहीं हमें आंसर देना है लोगों को वी आर रिस्पॉन्सिबल वी आर answerable to them we are accountable to them and whenever you will start behaving like that nikita krushchev ne kehna tha moscow mein baithke ki ho gaya tumhara ab jao theek hai so that's what happened aage dekho so ab ye pura ek section ho gaya 1970s 80s mein kya hua let's move to in uh, iraq iran war iraq iran war pe aate hain theek hai and if you have any queries regarding abhi tak mein to you can ask me ओके okay? चलो ईरान इराक वॉर 1982 1988 अब ईरान इराक वॉर शुरू करने से पहले पहले तो हमें देखना होगा कि पहले तो हमें देखना होगा कि क्या हुआ क्या ठीक है सो पहले हुआ क्या वो समझते हैं तो देखो ईरान इराक वॉर चली 1980 से 88 तक ठीक है आठ साल तक लड़ाई होती रही ओके आठ साल तक लड़ाई होती रही फाइन द वॉर वेंट ऑन वो एट बिजनेस ईयर्स अब एट ईयर्स जो वॉर चली उसमें प्रॉब्लम तो होनी होनी है दोनों देश तबाह हो गए एंड दैट वॉट हैपन सो वॉर ट्रिगर्ड बाई एथिकल एंड रिलीजियस इकोनॉमिक एंड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एक एक करके हम समझते हैं ईरान इराक में लड़ाई क्यों हुई और उसका इंपैक्ट क्या हुआ सो so, पहले तो आप समझ लो लीडरशिप पोजिशन में थे कौन लोग तो so, आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है वो उसको देख लो पहले uh, ईरान में 1979 में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ वो मैं समझाता हूँ ईरान में देखो ईरान की कहानी मैंने आपको बताई थी 1941-42 के बाद से आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तो तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें चर्चिल जिसमें रूजवेल्ट जिसमें स्टेलिन सब ने पार्टिसिपेट किया था सो so, तेहरान में क्या हुआ था तेहरान पे बीच में कुछ दिनों के लिए जर्मनी ने कब्जा कर लिया था क्यों क्योंकि जर्मनी को ऑयल फील्ड्स की जरूरत थी कि वहाँ से पेट्रोल मिलेगा उसको यूज़ करके वो रशिया पे अटैक करेंगे सो so, जर्मनी ने कुछ दिन के लिए ईरान पे कब्ज़ा कर लिया था अमेरिकन फोर्सेस ने ब्रिटिश और ब्रिटिश इंडियन फोर्सेज की हेल्प से ईरान को आज़ादी दिलाई और ईरान में नाइनटीन में वापस से शाह पहलवी फैमिली को इंस्टॉल कर दिया ठीक है ठीक है रेजा शाह पहलवी पहलवी फैमिली की डायनेस्टी को वापस से इंस्टॉल कर लिया बस कहानी सुनो ये कहानी याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब रेजा शाह पहल पहलवी डायनेस्टी में जो जो उनके किंग थे रेजा पहलवी उनके जो सन थे उनका नाम था रेजा शाह पहलवी 1953 आते आते रेजा शाह पहलवी ने कहा कि अच्छा हम डेमोक्रेटिक मॉडल लेके आएंगे ईरान में और ईरान में वो डेमोक्रेटिक मॉडल लेके आए और उन्होंने क्या किया रेजा शाह पहलवी ना आई थिंक सो इसमें लिखा है नहीं लिखा नहीं तो अदरवाइज आल एक्सप्लेन इट सेपरेटली हाँ चलो बता देते हैं ऐसे ही बता देते हैं रेजा शाह पहलवी ने क्या किया रेजा शाह पहलवी ने इलेक्शन कराए ठीक है थीके? और उन इलेक्शंस का जब रिजल्ट आया तो उसमें मोहम्मद मुसदक मोहम्मद मुसद्द नाम के एक लीडर थे जो इलेक्शन जीत के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए ईरान के ठीक है नाइनटीन में अब जब वो डेमोक्रेटिक मॉडल में जीत किया है तो उसको एक तरीके से डेमोक्रेटिक मोनार्की टाइप की चीज बना दी गई कि भाई पहलवी डायनेस्टी जैसे कि ब्रिटेन में होता है रॉयल फैमिली रहती है और रूल जो होता है रूलिंग क्लास वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे चलो वेरी गुड कर देते हैं यह uh, आकृति yeah, uh, उसके पीछे uh, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि uh, जर्मनी में ग्रास रूट सिस्टम काफी अच्छा है एज वेल एज जो मार्शल प्लान से जो फंडिंग आई थी उसका बहुत हेल्प हुआ ओके बट आई एक्सप्लेन इट बिफोर एंड बिफोर एंडिंग द क्लास जस्ट रिमाइंड इट एंड एक्सप्लेन इट ओके अब देखो हुआ क्या यहाँ पे सो so, हुआ ये कि uh, मोहम्मद मुसद्दक जैसे ही पावर में आए 1953 में मोहम्मद मुसद्दक ने पूरी की पूरी जितनी भी कंपनीज थी ईरान में उनको नेशनलाइज कर दिया अब नेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या थी तो देखो ईरान के पास बहुत सारा पेट्रोलियम रिजर्व था लेकिन ये पेट्रोलियम रिजर्व कैसे निकलता क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ईरान के पास थी नहीं ईरान तो एक छोटी सी कंट्री थी सो so, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई ब्रिटेन से आई अमेरिका से आई कंपनी लाइक एक्जोन मोबिल कंपनी लाइक ब्रिटिश पेट्रोलियम ये जो हैं ये ईरान में काम कर रहे थे ठीक है अब इन कंपनीज़ का अपना पर्सपेक्टिव है इन कंपनीज का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई तुम्हारे यहाँ ऑयल होगा तो होगा अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी लेके नहीं आते तो तुम ऑयल कभी निकाल नहीं पाते और इसलिए हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़े प्लेयर हैं ऑन द अदर हैंड क्या हुआ ईरानियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि ईरानियन गवर्नमेंट की बात घूम गई मोहम्मद मुसद्दक का कहना यह है कि ऑयल है हमारा जी ठीक है आप इंडस्ट्रियल सिस्टम लेके आए अपना इंडस्ट्रियल सिस्टम लेके जाओ हम किसी और से इंडस्ट्रियल सिस्टम मंगवा लेंगे हम किसी और से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा लेंगे ठीक है सो जिस तरीके से 1956 में आपको पता है कि स्विस कनाल पे इजिप्शियन गवर्नमेंट ने कब्ज़ा करके उसको नेशनलाइज़ कर दिया था उसके तीन साल पहले मोहम्मद मुसद्दक ने भी ईरान की जितनी भी पेट्रोलियम रिजर्व थे उनको नेशनलाइज कर दिया और ब्रिटिश पेट्रोलियम से और एक्ज़ोन मोबल से कहा कि सामान बांधो और जाओ यहाँ से ठीक है अब इस समय सी यानी अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि इससे तो हमारा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा ठीक है So, उन्होंने क्या किया उन्होंने रेजा शाह पहलवी से बात की एंड मोहम्मद मुसद्दक को वापस अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया मोहम्मद मुसद्दक जेल में मर गया रेजा शाह पहलवी को वापस से किंग बना दिया गया और ईरान को एक कंप्लीट अथॉरिटेरियन कंट्री बना दी गई जिसके एक सिंगल सोल लीडर थे रेजा शाह पहलवी अब रेजा शाह पहलवी ने क्या किया रेजा शाह पहलवी ने यह किया कि रेजा शाह पहलवी आए थे अमेरिका से पढ़ के रेजा शाह पहलवी का प्लान यह था कि मैं अपनी कंट्री को तुरंत ही वेस्टर्नाइज कर दूँगा सो so, रेजा शाह पहलवी ने ऑल ऑफ अ सडन ऑर्डर्स पास कर दिए ईरान के अंदर कि कोई भी इंसान दाढ़ी नहीं रख सकता ठीक है आप जब जितने भी ऐसे आ, ड्रेसिंग जो भी इस्लामिक ड्रेसिंग होती हैं चाहे आप नकाब पहनने की बात करें या फिर आप पूरा पूरी तरीके से अपने आप को ढकने की बात करें फेस कवर करने की बात करें दोज वर एक्चुअली इलीगल इन रेज ऑफ शाप शाह पहलवीज टाइम फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर ऑनवर्ड्स अब उसके बाद क्या डिफिकल्टी हुई कि ईरानियन पीपल वर ऑलरेडी अग्रीवड कि यार ये नहीं करना क्योंकि देखो आई टोटली अंडरस्टैंड कि वेस्टर्नाइजेशन अभी के सेंस में अच्छा दिखता है लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ रहते हो ठीक है अगर आप इंडिया में अगर अपने घर में जाके अपने दादी जी से कहोगे दादी जी कल से आप साड़ी नहीं पहन सकती दैट इज रॉन्ग ना वट शी वॉन्ट्स टू वेयर इट्स ऑन हर ठीक है आप वो चेंज नहीं करा सकते एक दिन में और अगर आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर रॉन्ग ओके सो दिस इज़ वॉट स्टार्टेड द फ्रस्टेशन एंड एंगस्ट अमोंग द ईरानियन पीपल और उसके बाद इकनॉमी जो थी ईरान की वो और ख़राब होने लगी एंड देर आर वेरी मेनी अदर रीजन जैसा कि नॉर्मल डिक्टेटर्स करते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टीज दे रहे हैं लोग मर रहे हैं लोगों को खाना नहीं मिल रहा है आपकी कैपिटल सिटी में और आप 600 सौ मिलियन सात सौ मिलियन डॉलर की पार्टी दे रहे हैं उससे एक बहुत बड़े ग्रुप खड़ी हो गई जो कि रेजा शाह पहलवी का अपोज़ करने लगी और इसी टाइम पे ठीक है उन इन्हीं इन्हीं पूरी की पूरी डायनेस्टी में एक लीडर थे जिनका नाम था उनका नाम क्या था आयातुल्ला खुमानी ठीक है आयातुल्ला खुमाइनी खिमैनी नहीं खिमैनी अभी हैं आयातुल्ला खुमैनी जिनकी पिक्चर आप राइट हैंड साइड ऑन द टॉप देख रहे हैं अब आयातुल्ला खुमैनी ने क्या किया आयातुल्ला खुमाइनी को ने कहना शुरू किया कि वॉट द किंग इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग सो किंग ने क्या कहा किंग ने कहा निकालो इसको यहाँ से सो आयातुल्लाइनी डर के क्या क्या आयातुल्लाइनी ने अपना सामान बांधा और वो तुरंत इराक चले गए इराक में एक शहर है जिसका नाम है नजफ़ ठीक है इराक में एक शहर है जिसका नाम है नजफ़ और इराक में बहुत सारे शिया जो लोग हैं इराक में भी शिया पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां की पूरी हेडक्वाटर है जो नजफ़ से चलती है और आयातुल्ला खुमैनी नजफ़ में जाके रहने लगे ठीक है अब ये पूरी कहानी होगी इराक में चलो इराक में ये जब चीजें चीज़ें चल रही हैं नाइनटीन सेवेंटी थ्रू में तो वहाँ पर बहुत सारे और लोग है, हैं ऑफिसल्स हैं इराक के और इराक में क्या हो रहा है तो इराक की अब कहानी सुन लो फिर हम वापस आते हैं ईरान पे लड़ाई क्यों हुई अब नीचे आपको जो पिक्चर दिख रही है वो है सद्दाम हुसैन की पिक्चर सद्दाम हुसैन केम टू पावर इन इराक इन 1979 ठीक है पावर में आए कैसे तो देखो सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बनने से पहले पहले सद्दाम हुसैन बने इराक के एन ठीक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उसके बाद सद्दाम हुसैन बने इराक के वाइस प्रेसिडेंट ठीक है इराक में जो पहले प्रेसिडेंट थे अबू बकर उनको हटाया सद्दाम हुसैन ने 1979 में और ख़ुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया ठीक है इससे पहले कि इलेक्शन की कहीं बात होती कुछ और बात होती कुछ होता ठीक है आ, सद्दाम हुसैन वो स्टिल थिंकिंग करना क्या है अच्छा ठीक है अभी दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है सो so, ईरान में जब सद्दाम हुसैन अभी एन थे प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे तो ईरान में वो नहीं चाहते थे कि अयातुल्ला खुमैनी ईरान में रहें इराक में रहें ठीक है क्यों नहीं चाहते थे सद्दाम हुसैन क्योंकि सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी के मेम्बर थे जिसमें मोस्टली मंबर जो थे वो सुन्नी लोग थे ठीक है और सुन्नी जो होते हैं वो इराक में माइनॉरिटी में होते हैं ये बहुत ध्यान से सुनिएगा जब आप बाद में आईस के बारे में भी पढ़ेंगे सो यू नीड दिस अंडरस्टैंडिंग टू बी टू अंडरस्टैंड ऑल दो थिंग्स इराक में जो इराक में माइनॉरिटी कौन है इराक में माइनॉरिटीज़ हैं सुन्नीस इराक में पावर में कौन थे सुन्नीस इराक में मेजॉरिटी मेजॉरिटी में कौन है शियाज़ इराक में पावर में कौन नहीं थे शियाज ठीक है सद्दाम हुसैन क्या है सुन्नी है और वो कंट्री के अपने एन थे तो उनको पता था कि अगर एक बड़ा शिया लीडर हमारी कंट्री में बैठा है तो वो धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल होते जाएगा सो सद्दाम हुसैन चाहते थे कि वो जल्दी से आ, आयातुल्ला खुमैनी को नजफ़ शहर से इराक़ से निकाल दें और वो बार बार पहलवी डायनेस्टी के जो है थे रेजा शाह पहलवी उनसे कह भी रहे थे नाइनटीन में कि हमें ये आदमी नहीं चाहिए आपको इस आदमी के साथ जो करना है करो इसको लेके जाओ ठीक है ये जब तक हमारे शहर में बैठेगा ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर बना रहेगा अच्छा जी कहानी चल रही है अब उसी समय क्या हुआ अ क्वेश्चन अगेन यह हिजाब वॉज ऑल्सो बैंड इन टर्की लेकिन अभी, अभी अ, क्योंकि आपके जो भी प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ भी हिजाब पहनती हैं इट हैज बीन चलो अब देखो ये कहानी ये कहानी चल रही है अब इस कहानी के चलते हुए हुआ क्या 1979 में ऑल ऑफ अ सडन सद्दाम हुसैन अपने यहाँ बैठे हुए हैं ठीक है थीके? और अंडर द प्रेशर अयतुल्ला खुमैनी जो है उनसे बोला गया कि आप इराक छोड़ दो बिकॉज शिया कम्युनिटी इराक की जो मेजॉर्टी शिया कम्युनिटी है जो पावर में नहीं है वो आयातुल्ला घुमाइनी को सपोर्ट कर रही थी और अगर वो सपोर्ट करती तो जो माइनॉरिटी के लोग थे यानी सुन्नीज जो गवर्नमेंट में थे उनको डिफ़िकल्टी होती सो आयातुल्ला घुमानी को इराक से भी निकाल दिया गया अब आयातुल्ला घुमानी ईरान में भी नहीं रह सकते इराक में भी नहीं रह सकते सो वेयर ही वेंट ही वेंट टू फ्रांस और पेरिस से बीस पच्चीस किलोमीटर दूर वो जाके उन्होंने एक जगह अपनी बनाई कि वो यहाँ रहेंगे ठीक है नव आयातुल्ला खुमैनी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ईरान में ईरान में रेवोल्यूशन किया एंड दैट इज़ इस्लामिक रेवोल्यूशन हालत इतनी ख़राब हो गई कि जो किंग थे ठीक है रेजा शाह पहलवी उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सामान बांधा और वो लेकर निकल गए यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है और रेजा उस समय जब रेजा शाह पहलवी एक बार ईरान छोड़ के चले गए उसके बाद आयातुल्ला खुमैनी को वापस लेके आया गया पेरिस से कहाँ पे ईरान में तेहरान में एंड द मोमेंट खुमैनी एंटर्ड तेहरान पावर वॉज गिवन टू हिम ठीक है अब खुमैनी एक मेजोरटेरियन शिया कंट्री के सुप्रीम लीडर बन गए ठीक है प्रेसिडेंट बनाए गए लेकिन प्रेसिडेंट भी खुमैनी को आंसर कर रहे थे ठीक है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इज आयातुल्लानी खुमैनी 1979 अच्छा जी अब ओवर ओवर नाइट एक और डिफिकल्टी हो गई वो डिफिकल्टी क्या हो गई कि रेजा शाह पहलवी को मैंने आपको बताया 1958 में किसने लीडर बनवाया था अमेरिका ने सी ने सो so, अब ऑल ऑफ अ सडन वो एक एक कंट्री जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की सारी बात मानती थी क्योंकि उनके जो लीडर थे उनकी कंट्री के जो किंग थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के ही बनाए हुए थे ऑल ऑफ सडन उनको यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ा अब ये जो कंट्री बनी ईरान वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट बनी इस्लामिक स्टेट बनी और उसने अमेरिका की कोई भी बात मानने से मना कर दिया ठीक है सो ऑल ऑफ अ सडन पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में देखो मिडल ईस्ट में सऊदी अरब से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की बात ईरान मानता था 1979 तक ऑल ऑफ अ सडन वो सारी चीजें खत्म हो गई ठीक है अब क्या होगा अब यूनाइटेड स्टेट्स को कोई सोल्यूशन चाहिए कि किस तरीके से ईरान से पावर छीनी जाए ठीक है बगल की कंट्री में इराक में क्या हो रहा था उसी साल 1979 में पावर में कौन आए थे सद्दाम हुसैन ठीक है सद्दाम हुसैन ने क्या देखा कि ईरान में अभी अभी नए लीडर आए हैं एंड दिस लीडर डोंट नो एनी थिंग अबाउट लीडरशिप वो ये क्या है ये तो भाई अयातुलना है ये तो भाई आ, इस्लामिक प्रेयर कराने वाले लोग हैं ठीक है थीके? इनको क्या पता गवर्नमेंट कैसे रन होती है सो so, सद्दाम हुसैन ने प्लान किया कि दिस इज द वेरी मोमेंट जब हम ईरान के बॉर्डर के वो एरियाज जो हमारे लिए टेक्टिकली इंपॉर्टेंट होंगे उन पे कब्जा कर लेते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा और इसके लिए बेनिफिट के लिए हेल्प किसने की इराक को इस टाइम पे इराक को इस टाइम पे हेल्प करने आए 1980 में कौन यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ने हेल्प की इराक को टू फाइट अगेंस्ट ईरान इन नाइनटीन एटी शुरू हो गई यूनाइटेड स्टेट्स ने सारे हथियार सारी चीज़ें इराक को देना शुरू कर दिया कि तुम ईरान से लड़ो और इस आदमी को हटाओ हम वापस रजा शाह पहलवी को भेजेंगे लेकिन ये लड़ाई ख़त्म ही नहीं हुई पहले हुआ कि 1982 में सीज़ फायर हो जाएगा ठीक है 1982 में आयतुल्ला खुमैनी ने सीज़ फायर करने से मना कर दिया इवन दो कि वो हार रहे थे वॉर उसके बाद भी ओके और यह लड़ाई चलती रही नाइनटीन तक ठीक है अब हम एक बार डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या ठीक है चलो माइनॉरिटी थे क्या हो गया प्रतिभा मतलब सर इराक में ही सुन्नी माइनॉरिटी है आई एम कंफ्यूज या प्रतिभा इवन नाउ इराक में सुन्नी माइनॉरिटी में होते हैं ठीक है इराक की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो शिया है सुन्नी नहीं है ठीक है जब देखो जब आप मैप देखोगे एक सेकेंड यहाँ का मैप है दिखा देता हूँ अभी आपको ये तो वो हो गया जिसके हाँ ये ये थोड़ा छोटा मैप है लेकिन चलो बात समझ में आ जाएगी देखो ये मैप देखो वर्ल्ड मैप ठीक है ये वर्ल्ड मैप देखो बहुत ध्यान से और इस वर्ल्ड मैप पे ध्यान दो ये रहा आपका ईरान और ये रहा आपका इराक छोटा सा ठीक है इराक और ईरान के बीच में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर तो कॉलोनियल कंट्रीज ने बनाया है ना वो बॉर्डर ऐसा तो था नहीं कि हमेशा से था ठीक है और इसीलिए बॉर्डर के इस तरफ भी शिया पॉपुलेशन रहती है और इस तरफ भी शिया पॉपुलेशन रहती है नीचे सो सदर इराक में इराक के सदरन स्टेट्स में ठीक है जो पॉपुलेशन है वो शिया पॉपुलेशन है ठीक है जैसे उनका हेडकोर्टर कौन सा है इराक में एक जगह है नज़फ़ ठीक है जैसे दिल्ली में जो लोग होंगे दिल्ली में जानते हैं एक जगह है नज़फ़गढ़ वो नज़फ़गढ़ उन लोगों ने बनाई है जो इराक़ के नजफ़ से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आके रहने लगे ठीक है सो चलो अब वापस बात करते हैं कि एक्चुअली वॉर हुई कैसे अभी तो मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी ठीक है बात करते हैं कि हुआ क्या था हाँ जी या या नुमान जो नॉर्दर्न एरियाज हैं मौसूल एंड ऑल ठीक है मौसूल बगदाद तिरकित ठीक है तिकरित ये सारी एरियाज में सुन्नीज़ रहते हैं ठीक है या अब देखो तो लड़ाई शुरू कब हुई सेप्टेम्बर ट्वेंटी सेकेंड ठीक है क्यों ही वेयर एरियाज़ नियर द बॉर्डर ऑफ ईरान एंड इराक ठीक है पहले ईरान की टेरिटरी जो थी उन पे कब्जा कर लिया इराकियों ने बाद में इराक की टेरिटरी पे ईरानियों ने कब्जा कर लिया किसके बीच में हुई ईरान और इराक और लीडरशिप किसके पास थी सद्दाम हुसैन और आयातुल्लह खुमैनी के पास नौ साल तक लड़ाई चली सितंबर 98 1980 में बॉर्डर्स कर्मिश जो थे उनसे लड़ाई शुरू हुई ठीक है और बात क्यों बढ़ने लगी क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास जो वेपनरी थी वो अमेरिकन थी तो अब देखो बात समझो इस पूरी लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है क्योंकि गल्फ वॉर 1991 की शुरू यहीं से हुई थी कुछ ना कुछ चीज़ें अब देखो कैसे हुई थी ठीक है दुनिया के दो सबसे बड़े जो ऑयल एक्सपोर्टर्स थे अभी ऑलरेडी 1973 में दुनिया एक बार ऑयल का शॉर्टेज देख चुकी है अब क्या हो रहा है दुनिया के दो सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स ईरान और इराक आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा वापस से दुनिया में ऑयल की पूरी ऑयल स्टेबिलिटी खराब हो गई ऑयल की कमी हो गई ठीक है दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे पे केमिकल वेपर और बायोलॉजिकल वेपर यूज़ किए और दो ईराक ने बहुत ज़्यादा किए ईरान ऐसा कहा जाता है ईरान ने भी किए लेकिन उसके बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं और ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इराक के पास कहाँ से आए थे ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ही इराक को दिए थे ठीक है एयरफोर्स वॉज वेरी सिग्निफिकेंटली यूज अब देखो हुआ क्या हुआ ये था कि इराक को मिक ट्वेंटी थ्री और मिक ट्वेंटी वन किसने दिए थे सोवियत यूनियन ने दिए थे जो कि पहले इराक को सपोर्ट करता था अब नहीं करता और ईरान के पास एफ फोर्टीन फाइटर जेट्स थे जो कि उसको अमेरिका से मिले थे जब वहाँ पे रेजा शाह पहलवी का रूल था और अब वही फाइटर जेट यूज़ किए जा रहे थे इराक के अगेंस्ट ठीक है ईरान के पास कड मिसाइल भी थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की, की मिसाइल थी सो so, ईरान को सारे के सारे वेपनरी कहाँ से आई थी यूनाइटेड स्टेट्स से और वो लड़ किससे रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट थी इन अवे क्योंकि इराक के पीछे कौन खड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है दोनों साइड में इकोनॉमिक लॉसेज हुए सिविलियन बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए ठीक है वॉर ख़त्म कैसे हुई क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था दैट फाइनली इन नाइनटीन यूएन ने एक दोनों के बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में एक पीस डील कराई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर फाइव ठीक है यूएनएससी रेजोल्यूशन 598 के थ्रू सीज फायर लाइन खींची गई और दोनों ने जिस जिस जगह पे 1980 में थे किसी ने भी दूसरे के एरिया में दो इंच भी कब्जा नहीं किया वापस से सारे एरियाज वापस कर लिए ठीक है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हुआ इकोनॉमी और मिलिट्री रेखा व्हाट्स द क्वेश्चन नुमान नहीं कुछ तिकरित तिकरित के नहीं होते तिकरित के सद्दाम हुसैन खुद थे ठीक है कुछ जो होते हैं वो तिकरित के और नॉर्थ में होते हैं मोसूल के ऊपर जो सेंजर का एरिया है वहां के होते हैं कुछ ठीक है हाँ अब देखो इकोनॉमिक और मिलिट्री सिग्निफिकेंस ऑफ शात अल अरब ठीक है ये पूरी जो पूरा इशू था पर्शियन गल्फ को ईरानियन पोर्ट से कनेक्ट करता था और वहां से पूरे के पूरे कनेक्टिविटी खत्म हो गई रिलीजन में इशू हो गया ठीक है क्योंकि सुन्नी इस्लाम जो है वो एक तरीके से अरेबियन पेनंसुला में था और नॉर्दर्न एरियाज़ में शियाज आके शिफ्ट हुए थे और शियाज़ के बीच में इशू अपने आप में क्रिएट हो गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे शियाज भी थे जो इराक़ की तरफ से लड़ रहे थे ठीक है एथिकल रिजेंटमेंट शुरू हो गया ठीक है पर्शियस कुड नॉट फॉर्म अ कंसोलिडेटेड कंट्री फॉर ऑलमोस्ट एट हंड्रेड ठीक है 1960 से 75 के बीच में इराक फोकस ऑन सप्रेशन ऑफ कुलदिश रिबिलियन विच लेट देम टू तो एक्सेप्ट एलजायस एग्रीमेंट ऑफ 1975 ठीक है 1975 में एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इराक ने डिसाइड किया था कि जो नॉर्दर्न कुर्दिश रीजनस हैं उनको अटोनमी दे दी जाएगी देखो अभी भी चार कंट्रीज में कुर्दिश लोग रहते हैं ठीक है कहाँ कहां पे इराक में ईरान में टर्की में और सीरिया में इसमें से सिर्फ एक ही कंट्री है जिसने Uh, कुर्दिश लोगों को ऑटोनमी दे रखी है वो कौन सी कंट्री है वो है इराक अलजियस एग्रीमेंट नाइनटीन के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या थे दो एम्बीजियस लीडर थे घुमाइनी और सद्दाम हुसैन दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे 1982 में बोला भी गया था आयातुल्ला खुमैनी से कि सीज़ फायर कर दो लेकिन सीज फायर नहीं किया आयातल खुमैनी ने कहा हम मरते हैं तो मर जाएंगे सीज फायर नहीं करेंगे ठीक है डिप्लोमैटिक इश्यूज क्या थे ईरान हॉस्टेज क्राइसिस भी हुई थी 1979 सेवनटी नाइन अच्छा ईरान हॉस्टेज क्राइसिस भी समझ लो क्या हुई सो so, जब भी कोई एम्बेसी होती है ना एम्बेसीज के पास एक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी होती है ठीक है डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी होती है और आप किसी और कंट्री के एम्बेसी में नहीं घुस सकते इवन दो आपकी कंट्री के अंदर होती है आपकी कंट्री के अंदर भी जो डिप्लोमे जो एम्बेसी होती है वो दूसरी कंट्री की प्रॉपर्टी मानी जाती है ठीक है जैसे इंडिया में अगर आप दिल्ली में है या मुंबई में या चेन्नई में तो एम्बेसी हो या काउंसलेट हो फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड स्टेट्स की काउंसलेट है मुंबई के अंदर चेन्नई के अंदर एम्बेसी की तो बात ही छोड़ो सो so, उस काउंसलेट के अंदर भी कोई किसी को गोली मार देगा सो so, पुलिस क्या आएगी पुलिस अमेरिकन पुलिस आएगी और वो अमेरिकन अमेरिकन लॉ के हिसाब से उस आदमी के ऊपर केस चलेगा ठीक है सो और खास करके जिनके पास एम्बेसी के अंदर रहने वाले जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर होते हैं उनको आप इवन फॉर मर्डर चार्जेस आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री आपको परमिशन ना देते ठीक है अब हुआ गया 1979 में जैसा कि मैंने आपको बताया ईरान के जो किंग थे रेजा शाह पहलवी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ प्लेन में बैठे और उन्होंने जितना भी ईरान का गोल्ड था ट्रेंच का वो अपने प्लेन में रखा और लेके चले गए अब ईरान के जो तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनको समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स को वो करें क्या सो उन्होंने क्या किया वो तुरंत गए और अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और अमेरिकन एम्बेसी में जितने लोग थे उनको एक तरीके से पूरी एम्बेसी को हाईजैक करके किडनैप कर लिया वहाँ पे जितनी भी एम्बेसी में लोग थे उनको किडनैप कर लिया गया अब उम्मीद की गई कि भाई जो भी गवर्नमेंट आए एवरी वन विल रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी वियाना कन्वेंशन के अगेंस्ट नहीं जाएगा 1964 के और सब लोग आयातुल्ला खुमानी के पास गए कि आयातुल्ला खुमाइनी से बोला जाएगा कि वो स्टूडेंट से बोले कि प्लीज वहाँ से हटो और अमेरिकन जो एम्बेसी के लोग हैं उनको वहाँ से वापस जाने दो आयातुल्ला खुमानी ने क्या किया उन्होंने कहा लड़के जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं जाने दो और दैट इज़ द वन रीज़न जिसके कारण फॉर फोर हंड्रेड एंड फोर्टीन और फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर डेज समथिंग लाइक दैट ईरान में एक हॉस्टेज क्राइसिस हो गई जिसमें फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव अमेरिकन सिटीजन्स जो थे जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स थे वो उनको इराक की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली किडनेप कर लिया एक तरीके से हॉस्टेज बना के रखा ओके एंड दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि हमने ईरान को सबक सिखाना है ओके ये वो ऑल्सो टाइम था जबकि सोवियत यूनियन की ईरान से रिलेशन्स अच्छे हो गए क्योंकि सोवियत यूनियन का ये था कि चलो अच्छा ही हो रहा है ठीक है सो ये सारी चीज़ें हो गई 1979 1980 तो ये भी एक रीजन था यूनाइटेड स्टेट्स का इराक को सपोर्ट करने के लिए ठीक है अब आगे देखो अच्छा हाँ अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जाननी है तो एक मूवी है ठीक है उसको 2012 में ऑस्कर भी मिला था उसका नाम है आर्गो ठीक है आर्गो ए आर जी ओ ठीक है इसको देख लीजिएगा इसमें आपको मूवी में सारी चीजें बता दी जाएंगी कि इराक में ईरान में क्या हुआ था ठीक है अब एक वही पूरी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जब रिजा शाह पहलवी पावर में थे तो वो क्या करते थे जो उनको अपोज करते थे उनको मरवा देते थे ओके मोस्ट शॉर्ट टर्म ठीक है इकोनॉमिक इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान इंडस्ट्रीज व सफरिंग एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम जो था वो रिड्यूस हो गया रिलीजियस चेंजेस सो so, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के कारण शिया पॉपुलेशन और इवन कुर्दिश पॉपुलेशन जो थी इराक की उनमें भी इम्पैक्ट होना शुरू हो गया बहुत सारे ऐसे इराकी लोग थे जो कि ईरान की तरफ से लड़ने को रेडी हो गए और इस चीज से भी सद्दाम हुसैन को एक मिनट के लिए टेरर हो गया थ्रेट हो गया कि अरे इसीलिए तो इस आदमी को यहाँ से निकाला था कि ये नजफ़ में बैठ के हमारे अगेंस्ट एक, एक और पावर सोर्स बन रहा था ठीक है पावर सेंटर एक और बना रहा था ये आदमी अब ये ईरान में जाके वहीं से पावर सेंटर बना रहा है क्योंकि ईरान ठीक है लेकिन इराक आपको समझना पड़ेगा इराक में ऑल दो सुन्नीज आर इन माइनॉरिटी बट टिल 2003 टिल 2003 ऑलवेज सुन्नीज वर द लीडिंग क्लास ठीक है रूलर्स हमेशा सुन्नी ही होते थे सद्दाम हुसैन थे इट वाज ओनली आफ्टर 2003 जब इलेक्शन हुए 2005 में जब अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को हटा दिया और 2005 में इलेक्शन हुए उसके बाद ही नूरी अल मलिकी पहली बार ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने इराक के जो शिया थे ठीक है नूरी अल मलिकी का नाम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में याद नहीं करना है डोंट वरी इट्स ओनली फॉर जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस होगा उनको उतनी डिटेल में जाना होगा ओके अंजुम हुआ दीज यू ओके ओके आकृति सिंह द डिफरेंस बिटवीन एंबेसी एंड अ काउंसलेट चेतन सर हाउ इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ 1975 इफेक्टेड ईरान ओके चलो एक एक करके ले लेते हैं पहले चेतन ने पूछा पहले चेतन का आंसर दे देते हैं देखो यार चेतन इस्लामिक uh, रेवोल्यूशन ने ईरान को कैसे हेल्प की uh, या क्या चेंजेस किए इस्लामिक रेवोल्यूशन के कारण ईरान में पहले तो एक रिलीजियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया ईरान को ठीक है दूसरी चीज एक तरीके से ईरान में डेमोक्रेसी तो आई ठीक है वेदर अब अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज उसको डेमोक्रेसी माने ना माने लेकिन एक तरीके की डेमोक्रेटिक मॉडल तो आया पीपल लाइक एटलीस्ट गवर्नमेंट वाज मोर अकाउंटेबल आप आयतुल्ला खुमैनी को छोड़ दें वो रिलीजियस सेक्टर सेक्शन है पूरा लेकिन अप टू सर्टन एक्सटेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द पीपल इंक्रीज लेकिन एट द सेम टाइम रिलीजियस इंटरफेरेंस इन द पीपल्स डे टू डे लाइफ ऑल्सो इंक्रीज जिसके कारण से ईरान की पूरी सोसाइटी ठीक है ईरानियन पीपल डिडेंट वॉन्टेड कि भाई अगर हमें दाढ़ी बढ़ानी है तो हमें बढ़ाने दो और हमें कटानी है तो कटाने दो ठीक है उन्हें पहले कौन मिला उन्हें पहले मिले थे रेजा शाह पहलवी अगर किसी को दाढ़ी बढ़ानी है तो वो बढ़ाने नहीं देंगे उसके बाद मिले आयातुल्ला खुमैनी जो अगर आपको दाढ़ी कटानी है तो वो कटाने नहीं देंगे होना तो ये चीज़ है भाई कि अगर बढ़ाने चाहते हो तो बढ़ा के रखो अगर कटानी चाहते हो तो कटा के रखो अगर बुरका पहन के रहना है तो बुरका पहन के रहो अगर नॉर्मल बिना बुरके के नॉर्मल कपड़े पहनने हैं ठीक है ऊपर से बुरका नहीं पहनना मत पहनो दोनों में इशू नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन ईरान के कैटेगरी में सेवनटी नाइन के पहले आप दाढ़ी रखनी पड़े नहीं रख सकते सेवनटी नाइन के अगर आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी सो so, दोनों एक्सट्रीम तरफ की two, के आइडियाज़ ही ईरान को हमेशा मिले पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू सेवनटी नाइन के रेवोल्यूशन के बाद ईरान में वेदर यू लाइक इट और नॉट बट मोनार्की के कारण मोनार्की के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो ही रहा था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल इन फॉर वेन एक बार में ख़त्म हो गया क्योंकि अभी भी ईरान जब बार बार कहता है कि दे विल यूज द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो अपना यूरेनियम इनरिच कर लेंगे वो न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे सो so, वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास आई कहाँ से ये वही टेक्नोलॉजी है जो 1979 के पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने ही ईरान को दी थी अपने सिविलियन न्यूक्लियर पावर पॉइंट प्लांट के लिए यूज करने के लिए वहीं से वो टेक्नोलॉजी निकाल के उसको एनरिचमेंट का तरीका बढ़ा के अभी न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात होती है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है उसके बाद फिर और क्वेश्चन क्या है हाउ इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया आकृति का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एन एम्बसी एंड काउंसिलेट आकृति देखो एम्बेसी जो होती है कि जैसे दिल्ली में एक एम्बेसी है एम्बेसी वहाँ होती है जहाँ पे एम्बेसडर की सीट ऑफ रेसिडेंस होता है ठीक है हर कंट्री का एक ही रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है दूसरी कंट्री में जिसको हम हिंदी में कहते हैं राजदूत ठीक है एम्बेसडर तो एम्बेसडर जहाँ होता है वहाँ तो एम्बेसी होती है लेकिन मैनी अ टाइम क्या होता है कि एम्बेसडर इज़ नॉट इनफ टू हैंडल एवरी और कोई कंट्री बहुत बड़ी है तो एम्बेसडर क्या करता है एम्बेसडर अपने काउंसिलर अपॉइंट कर देता है दूसरी जगहों पे ठीक है जो कि एम्बेसडर के बिहाफ पे दूसरे लोगों को काउंसिल दे सकते हैं अब ठीक है एम्बेसडर के बिहाफ पे तो वो काउंसिलर जहाँ पे होते हैं उनकी जो सीट होती है उसको काउंसलेट कहते हैं अब देखो जैसे दिल्ली अब जैसे इंडिया इतना बड़ी कंट्री है इंडिया अब यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है ठीक है लेकिन बहुत सारे अमेरिकन हैं जो आ, मुंबई में भी हैं चेन्नई में भी हैं पूना में भी हैं अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमेरिकन uh, सिटीजन है जो पुणे में बैठा है अब उसको कोई इशू क्रिएट हो जाए कोई डिफिकल्टी आ जाए तो वो सीधे दिल्ली तो नहीं आएगा दे विल फाइंड इट बेटर कि हम मुंबई चले जाते हैं सो so, इस तरीके से एम्बेसीज और काउंसिलेट का रिलेशन सिंपल सा है कि वेन देर इज़ एक्सेसिव जॉब एक्सेसिव वर्क तो एम्बेसी का एक सब ऑफिस समझ लीजिए उसको काउंसिलेट कहते हैं काउंसिलेट को भी सारी वही प्रोटेक्शन इशू की जाती हैं जो एम्बेसी को मिलती हैं, ठीक है जनरल जो होते हैं, वो एम्बेसडर से नीचे पोजीशन पे होते हैं लेकिन उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज मिली होती हैं, ठीक है सो काउंसिलेट एम्बेसी इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे फाइन चलो और देख लो दैट हुट पीपल अनजुम कुर्दिश पीपल जो हैं वो देखो एक अलग आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे अजरबैजान में लोग अलग रहते हैं अर्मेनियंस आर डिफरेंट सिमिलरली पीपल आर पीपलो डिफरेंट दे आर नॉट अरेबियन पीपल दे आर नॉट फ्रॉम इराक इरानियन और इराकी ओके उनकी अपनी हिस्टोरिकल सेंसिबिलिटीज़ हैं वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से अपने लिए अलग कंट्री मांग रहे हैं ठीक है और उन्हें दुनिया धोखा देते आ रही है 1917 से ठीक है या चलो हैप्पी दशहरा सो शोबेथ हैप्पी दशहरा ओके चलो अब ये पूरी बात हो गई अब आगे बढ़ते हैं सो इमीडिएट रीजन क्या था ईरान ने इनवेड किया तेहरान को कैसे मिग 23 और मिग 21 से ये तेहरान जो इराक ईरान की कैपिटल है उस पे इराकी मिग 23 ने अटैक कर दिया इन अटैक्स का रिस्पांस ईरान कैसे करेगा इन अटैक का रिस्पॉन्स करना था ईरान को और उन्होंने रिस्पॉन्स किया कैसे प्लानिंग अ वॉर ऑफ वॉर इराकी फोर्स ने पहले तो ईरान पर अटैक किया सद्दाम हुसैन ने सोचा कि भाई हम सरप्राइज अटैक करेंगे और तुरंत वॉर ख़त्म हो जाएगा हम वॉर जीत जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिगनिंग में तो इराकी एयरफोर्स वॉज वेरी पावरफुल उनके पास मिट 23 और मिक 21 थे नाइनटीन अभी इंडिया के पास मिक 21 है रोज गिलते रहते थे अभी कुछ साल पहले लेकिन 1979 में मिग 21 वन वॉज एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजी अभी जैसे एफ थर्टी फाइव लोग बोलते हैं बहुत अच्छा प्लेन है उस टाइम मिक 21 वन वॉज एक्सलेंट प्लेन ठीक है लेकिन ईरानियंस ने काउंटर अटैक किया और वो रेजा शाह पहलवी के टाइम के जो एफ फोर्टीन थे वो यूज़ किए गए इराक पर अटैक करने के लिए वॉर स्टार्ट हो गई आप इस मैप में देख सकते हैं किस कंट्री ने किसको सपोर्ट किया था किस कंट्री ने किसको सपोर्ट किया था बहुत ध्यान से देखिएगा किस कंट्री ने किसको सपोर्ट किया सो so, पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने इराक को सपोर्ट किया ठीक है देखो पाकिस्तान ने इराक को सपोर्ट किया सऊदी uh, अरेबिया ने इराक को सपोर्ट किया इजिप्ट ने सूडान ने इथोपिया ने सब ने इराक को सपोर्ट किया क्यों ये लोग इराक को सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दीज आर सुन्नी कंट्रीज पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री ही है एक तरीके से क्योंकि वहाँ भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी है ठीक है ईरान को सपोर्ट किसने किया लिबिया ने ठीक है और अल्जीरिया ने ठीक है साउथ अफ्रीका ने अर्जेंटीना ने यूएसए और ये जो कंट्रीज हैं ठीक है यू एस uh, सोवियत यूनियन चाइना ये दोनों के साथ गेम खेल रही थी जिसको जहां प्रॉफिट लगता था वैसे कर लेते थे ठीक है सो दैट इज वॉट वॉज गोइंग ऑन फाइन इस पूरे की पूरी चीज का असर क्या हुआ जो स्कर्ट मिसाइल्स थी वो एक्सेप्शनल पावरफुल वेपन थी जो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने पहले ईरानियन आर्मी को दे रखी थी जब रीजा शाह पहलवी का टाइम था सो so इसलिए स्कर्ट मिसाइल ईरानियंस के पास भी थी और बाद में इराकीज़ को भी स्कर्ट मिसाइल दे दी गई तो अब बेसिकली हो क्या रहा है बहुत ध्यान से देख सकते हैं ईरान को भी अमेरिका ने वेपन्स दे दिए और इराक को भी दे दिए और कहा कि लड़ो बेटा दोनों लड़ाई करो आपस में देखा जाएगा क्या होगा तो अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ ईरान का और इराक का बेनिफिट किसका हुआ यूनाइटेड स्टेट्स uh, का क्योंकि वो क्या कर रहे थे वो तो वेपन बेच रहे थे दोनों को ठीक है सो अगर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन वो भी किसने दिए इराक को इराक की कैपेबिलिटी नहीं थी केमिकल uh, और बायोलॉजिकल वेपन बनाने की वो वेपनरी किसने दी वो वेपनरी दी यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को कि इन केस इन द केस ईरानियंस अपनी एक ईरान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ईरानियंस अब बहुत ज़्यादा आर्मी एक साथ भेजने की कोशिश करें तो उनके ऊपर आप केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स यूज कर सकते हैं ये वही केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो कि बाद में टू 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने चार्जेस लगाए कि वही केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जो हमने इराक को दिए थे उसी से टेक्नोलॉजी ट्रेस करके इराक ने और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बना लिए हैं वो बनाए थे कि नहीं बनाए थे नो वन रियली नोस लेकिन वहां से कभी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन टू में मिले नहीं ओके सो दैट्स अनदर थिंग इराकी केमिकल वेपन ठीक है अली हसन अल मजीद वॉज द मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एट द टाइम एंड ही वॉज द वन द यूज ऑफ केमिकल वेपन ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जेनेवा कन्वेंशन में केमिकल वेपन का यूज जो है वो मना कर दिया गया था बट स्टिल इराक ने केमिकल वेपन यूज किए ऑन द बॉर्डर विद ईरान ठीक है ऐसा कहा जाता है कि ईरान ने भी किया लेकिन उसके प्रूफ कभी नहीं मिले ठीक है ओके okay. चलो आगे देखो सिविलियंस बहुत सारे सिविलियंस मरे वॉल्ट्री वॉल्ट्री सोल्जर्स यानी कि uh, वो भी उनकी डेथ हुई कैजुअलिटी जो थी ईरान की तरफ ऑलमोस्ट तीन लाख लोगों की डेथ हुई इराक थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड पीपल डाइड अनदर सिक्सटी थाउजेंड इराकीज वर टेक इन प्रिजनर ऑफ वॉर बाई ईरान ठीक है इन इकोनॉमिक सेंस दोनों कंट्रीज को एक्सेप्शनल लॉस हुआ इराक ने बहुत सारा लोन ले लिया था ईरान से लड़ने के लिए जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं हमेशा इराक जो है वो बहुत छोटी कंट्री है ईरान के सामने ठीक है इराक ने बहुत सारा लोन ले रखा था ईरान से लड़ने के लिए और इसी लोन के कारण अब होगा गल्फ वॉर ठीक है सो पॉलिटिकल रीजीस ऑफ बोथ इंडिया इराक एंड ईरान डिड नॉट चेंज जब वॉर खत्म भी हुआ और उसके बाद क्या होता है वो हम बात करते हैं हाउ द वॉर एंडेड वॉर एंड हुई मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 598 के थ्रू और दस वॉर इन द सेंस हैड नो विनर्स और किसी ने भी एक कतरा जमीन का दूसरे का नहीं लिया ठीक है वॉर इट वॉज अ टोटल वॉर दोनों कंट्रीज को एक्सेप्शनल लॉस हुआ और दैट इज ऑल यू नीड टू नो ओके अब इसके कारण देखो आगे एक और वॉर होगी इसके कारण ही गल्फ वॉर हुई क्यों हुई अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो भी अभी आपको बता दिया जाएगा क्योंकि आगे वाली क्लास में उस पर डिटेल डिस्कशन होगी तो अब यहाँ से क्या से हुआ अभी नाइनटीन में जब ये वॉर ख़त्म हुई तो इस वॉर का आउटकम ये हुआ कि इराक इराकी गवर्नमेंट ने बहुत सारा इराकी गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन ले रखा था ठीक है लोन लोन किससे लिया था यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका से सबसे ईरान से फाइट करने के लिए अब वो लोन के पैसे वापस करने लोन के पैसे इराक कैसे वापस कर सकता है सिर्फ एक ही तरीका है उनके पास क्या पेट्रोल बेच के ऑयल बेच के ठीक है और ऑयल कैसे बेचेंगे अगर ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है सो फायदा किसको होगा फायदा होगा इराकी गवर्नमेंट को अच्छा ठीक है अब अगर आप देखोगे तो इराक के साउथ में एक छोटी सी कंट्री कंट्री है जिसका नाम है कुवैत ठीक है कुवैत सो अब क्या हुआ कुवैत की जो रॉयल फैमिली थी उनसे भी इराक ने बहुत सारा लोन ले रखा था और उसी टाइम पे इराक बार बार ओपेक कंट्रीज़ पे प्रेशर बना रहा था कि प्लीज़ आप प्राइसेस जो हैं ऑयल के बढ़ा दो जिससे हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और फिर उन्हीं पैसे से अपना लोन वापस करेंगे ओपेक कंट्रीज जो थी वो प्राइसेस नहीं बढ़ा रही थी तो इराक ने कहा ठीक है हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे जिससे हम ज़्यादा तेल बेचेंगे उसी टाइम कुवैत ने क्या किया कुवैत ने भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया और कुवैत ने प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ ऑयल के प्राइसेस भी घटा दिए ठीक है अब इससे क्या हुआ इससे सद्दाम हुसैन के इराक की जो ऑयल की डिमांड थी वो इंटरनेशनल मार्केट में घट घट गई दे वॉज अ सिचुएशन जब इराक को डेली एक बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा था एक बिलियन डॉलर आज ही बहुत बड़ा अमाउंट है 1990 में तो बहुत बड़ा अमाउंट था ठीक है और उनको अगर यूना इराक को इतने सारे पैसे वापस करने हैं और ऑलरेडी एक बिलियन डॉलर का रोज़ नुकसान हो रहा है सो अब क्या किया जाए एट द सेम टाइम इराक की एक बहुत बड़ी आर्मी थी जो लड़ाई हार के वापस आ रही थी सो so, सद्दाम हुसैन को यह भी पता था कि अगर ये जो लड़ाई आठ साल से जो मेरे आ, आर्मी के लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान से अगर ये वापस आए और मैंने इनको जॉब नहीं दी इनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया तो ये कल मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट भी करेंगे ठीक है so, सो सद्दाम हुसैन ने क्या प्लान बनाया सद्दाम हुसैन ने बनाया कि एक तीर से तीन निशाने लगाएंगे निशान कैसे नि हमारी जो आर्मी वापस आ रही है ईरान से लड़के इनको वापस घुमा दो और कुवैत पे अटैक कर दो एक साथ तीन चीज़ें होंगी पहले तो हम कुवैत पे कब्जा कर लेंगे तो हमारी आर्मी वहाँ बिजी हो जाएगी और हमारी आर्मी के जो मोराल्स डाउन है वो मोराल्स वापस अप हो जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा अरे कुछ तो जीते ठीक है और हमारी आर्मी वहां बिजी हो जाएगी पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू क्या हुआ कुवैत से इराक ने लोन ले रखा था सो so, अब अगर आपकी कंट्री पे ही कब्जा कर लिया तो अब लोन वापस करने की बात तो ख़त्म ही हो जाती है सो पॉइंट नंबर टू एक्सेप्टेड पॉइंट नंबर थ्री अगर कुवैत पे इराक ने कब्जा कर लिया तो कुवैत का जो ऑयल है वो भी तो इराक का हो गया सो so, प्राइसेस कम करनी है या ज्यादा करनी है वो भी इराक के हाथ में आ जाएगा सो so, एक तीस है तीन निशाने लगाने की बात सोची सद्दाम हुसैन ने और उन्होंने कुवैत पे अटैक कर दिया बट वेन ही अटैकड ऑन कुवैत यूनाइटेड स्टेट्स को याद आया कि अरे इसीलिए तो सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्री पर अटैक ना कर दे सो इसलिए जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश को कुवैत पे अटैक होने के ऑलमोस्ट एक महीने बाद जब याद आया कि ओ इराक तो ऑयल प्राइसेस को ऊपर नीचे कर देगा सो जॉर्ज डब्ल्यू बुश तुरंत उन गए जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने तुरंत अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे कहाँ पे यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन में यूएनएससी की मीटिंग हुई और वहाँ पे फिर एक यूनाइटेड नेशन की सेंक्शन फोर्स जो थी उसने फिर फर्स्ट गल्फ वॉर में इराकी फोर्सेस को कुवैत से निकाला ठीक है अब दिस इज द होल स्टोरी यू नीड टू नो हाँ हाँ कुलदीप ये एयरलिफ्ट वाली मूवी की ही स्टोरी है फाइन अरे कैमिन ने से फिर से शुरू से पढ़ाए कैमिन फिर से शुरू से कैमिन ये सेवनटीन क्लास है ठीक है टिल नाउ वी हैव गॉन थ्रू मोर देन ट्वेंटी आवर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सो so, वापस शुरू से पढ़ाने का मतलब क्या होगा फाइन सो so, थोड़ा कुछ आइडिया लगा आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुवैत में अगली क्लास में हम कुवैत को और डिटेल में देखेंगे एक्चुअली क्या हुआ ठीक है uh, अभी हमें थोड़ा सा बातें कुछ और करनी है वो क्या अच्छा हाँ ये अगेन अन अकेडमी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट थर्टी अक्टूबर के बाद आपको ऑप्शनल uh, सब्जेक्ट के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी सो ऑल दो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सब्सक्रिप्शनशिप परचेज इट बिफोर थर्टी फर्स्ट बिकॉज थर्टी फर्स्ट के पहले ले लोगे सो so आपके प्लस या आईकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में एवरी थिंग विल बी इंक्लूडेड अदरवाइज आफ्टर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर वन ईयर ओके ट्वेल्व मंथ्स के कोर्स के लिए ठीक है फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक है चलो अब ये वो बात होगी अब अफगानिस्तान की बात करनी है लेकिन अफगानिस्तान इज समथिंग जो डिटेल में हमें पढ़ना है दैट इज समथिंग वी विल डिस्कस टुमारो इवनिंग एट 6 पीएम ओके ऑल द क्वेश्चंस आई विल टेक नाउ एंड देन विल एंड द सेशन नुमान या दैट्स आल्सो अ कॉन्सपिरेसी थ्योरी कि सद्दाम نہیں نہیں अरे नुमान सद्दाम की कॉन्स्परेसी थ्योरी नहीं थी ये थ्योरी ये है सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर चार्जेस लगाए थे कि कुवैत जो है वो क्रॉस ड्रिलिंग करके इराक से ऑयल निकाल रहा है ठीक है ये वो स्टेटमेंट था जो सद्दाम हुसैन ने यूज़ किया था कुवैत पे अटैक करने के लिए मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुवैत पर अटैक क्यों किया था एक्चुअल रीज़न लेकिन वर्ल्ड को भी तो कोई रीज़न देने पड़ेंगे ना और वहाँ पर सद्दाम हुसैन ने ये रीज़न दिया था कि कुवैत जो है वो क्रॉस ड्रिलिंग करके और हमारी ऑयल निकाल रहा है ठीक है कुवैत ड्रिलिंग कर रहा है ये सद्दाम हुसैन ने कहा था सद्दाम हुसैन ड्रिलिंग कर रहे हैं ये कुवैत ने नहीं कहा था ठीक है उसको करेक्ट करने चलो हम्म फाइन कुलदीप एनी अदर क्वेश्चन एनी वन इफ एनी अदर क्वेश्चन प्लीज मी नाउ एंड सेशन नाउ एवरी वन चलो ओके एंड द सेशन ओके इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज एनी अदर क्वेश्चन प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एंड एनीथिंग एल्स वो अनअकेडमी अंडर्स श्वेतांग श्वतांगे टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लें ठीक है आपके सारी क्वेरीज जो है वो यहां भेज दीजिए और साथ ही साथ देखो ये जो है ना अनअकेडमी इसको ज्वाइन कर लो इसके ऊपर पी uh, जो है वो अपलोड हो जाएंगी मेक श्योर यू ज्वाइन दिस स्ट्रीम को लाइक like कर दीजिएगा एटलीस्ट दैट मच यू कैन डू शेयर इट विद फेलो एस्पेरेंट दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम अलॉट बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री की डिटेल क्लासेज रेयरली मिलती हैं इतनी डिटेल इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अदरवाइज विल एंड द क्लास चलो ओके श्योर थैंक यू एवरी वन फॉर अंडरस्टैंडिंग वेयर इज अफगानिस्तान रोबो पाकिस्तान के बगल में है यार ठीक है ओके चलो थैंक यू